आज के इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्थितियां तो कोई बहुत अनुकूल नहीं है समाज के स्तर पर और व्यक्ति के स्तर पर, लेकिन फिर भी हम मर्यादाओं को नहीं छोड़ सकते, न भाषा की और न व्यवहार की। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्वागत शब्द जो है वो मुझे प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो इसलिए और इसलिए भी स्वागत कि इस तरह की परिस्थितियों में हम लोग अगर विचार करने के लिए उत्सुक हुए हैं तो निश्चित रूप से वो एक स्वागत के योग्य बात है, क्योंकि उसमें हमने संभावनाओं की ओर अग्रसर होने का निश्चय किया है। ये ठीक है कि महामारी का ये काल, इसमें सरकार की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से, डॉक्टर्स की ओर से, साइंटिस्ट की ओर से और सोशल साइंटिस्ट की ओर से जो कुछ किया जा सकता है वो सब वो लोग कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या वो लोग जो कर रहे हैं उसमें हम लोगों का इंडिविजुअल के तौर पर और जिस रूप में हम लोग अपनी पहचान बनाते हैं, अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस दृष्टि से अगर हम अपने आप को देखें तो हम लोगों का क्या रोल होना चाहिए, और जो भी रोल होना चाहिए, हमारी भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका के अनुकूल क्या हमारा हम जो कर्तव्य कर्म है वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और क्या हमें अपने दायित्व का बोध है या नहीं है, ये भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन दो के बीच में आज की हम ये चर्चा करने जा रहे हैं, और विशेष रूप से संस्कृतज्ञों के लिए। हालांकि मेरा जो शुरू में दृष्टिकोण था वो था कि इसमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, म्यूजिक और होम साइंस, पर्टिकुलरली इन सभी डिपार्टमेंट्स को जोड़ा जाए और उनके भी जो व्यूज हैं, विचार हैं, उसको इसमें शामिल हम करें। लेकिन कुछ समय की कमी और फिर औपचारिक परमिशंस की वजह से मैंने इस विषय पे नहीं गया। हालांकि अब भी हम जब चर्चा करेंगे तो चर्चा में हम कोशिश करेंगे कि संगीत विभाग को भी हम एडअप कर सकें, फिजिकल एजुकेशन के भी पक्ष को हम स्वयं ला सकें, साइकोलॉजी के पक्ष को भी ला सकें और होम साइंस को भी ला सकें, और किस किस रूप में उन पक्षों को हम लाएंगे ये मैं आप लोगों के साथ इस 5 मिनट की, 5-6 मिनट की भूमिका के बाद उसके बारे में बात करूंगा। आप लोग ये देख पा रहे हैं कि अपनी स्क्रीन के ऊपर जिन चित्रों को आप देख रहे हैं, आप तुरंत इनको धार्मिक कह लीजिए, लेकिन मनुष्य के शरीर में जब लोग इस धरती पर विद्यमान रहे होंगे तो अपने अपने समय की बहुत सारी कठिनाइयों को, दुखों को, कष्टों को इन्होंने अनुभव किया होगा। नमस्कारम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, नमस्कार। तो इन सब विषयों को इन मनुष्यों ने अपने जीवन के एक्सट्रीम्स को देखा है। राम है, उन्होंने अपने एक्सट्रीम को देखा, कृष्ण है, उन्होंने अपने एक्सट्रीम, बल्कि महाभारत का युद्ध, इससे बड़ा युद्ध और क्या हो सकता है। महावीर जैन ने तपस्या के उन अंतिम चरणों की ओर चले गए जहां पर हम आज के युग में तो सोच भी नहीं सकते, इतना अति की ओर चले गए। बुद्ध भी अति की ओर जाकर के फिर मध्यम मार्ग की ओर आए। लेकिन इन चारों और इसी परंपरा में और भी आगे जितने भी विद्वान और संत, साधु संत और बाकी सब लोग रहे हैं, इन चार चित्रों को देखकर ये मत सोचेगा कि केवल मैं फोकस यही कर रहा हूँ, मैं पूरी परंपरा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सभी चित्र यहाँ नहीं दिखाए जा सकते, सभी लोगों के बारे में बात करना संभव नहीं है। तो इन सभी व्यक्तित्वों को अगर आप ध्यान में दें तो अतियों पे जीने के बावजूद इन लोगों ने अपने कभी देवत्व को छोड़ा नहीं। आप में से किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपने माइक को ऑफ कर दीजिए, प्लीज अपने माइक को ऑफ कीजिए आप, अपने माइक को ऑफ रखिए प्लीज। अभी भी नहीं हुआ है तो दो माइक आप लोगों के किसी के ऑन है, उसकी वजह से ये
चलिए अपनी बातचीत की ओर अग्रसर होते हैं। कृपया माइक को अभी ऑफ रखिएगा। जिस वक्त चर्चा आरंभ करेंगे तो आप सभी अपने माइक ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह से वो विचार क्रम टूट जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि माइक अपने ऑफ रखिए अभी। तो जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि ये जो मनुष्य रहे हैं, इन और इनकी परंपरा के जितने भी आगे चल करके मनुष्य हुए हैं, जिन्हें आप साधु संत महापुरुष जो भी कहना चाहें, सभी ने अपने समय की अतियों को झेला है, लेकिन उन्होंने अपने देवत्व को कभी छोड़ा नहीं है। इस देवत्व को आप किसी भी रूप में अर्थ समझना चाहें, लेकिन मेरे लिए देवत्व जो है वो एटिमोलॉजिकल मीनिंग से ज्यादा मैं उसको नहीं अभी ले रहा है। उस देवत्व के कारण ही वो दो शब्दों को उन्होंने पकड़ा जो कि आप अपनी स्क्रीन में नीचे देख पा रहे हैं, एक है शांति और दूसरा है मंगल। कि चाहे वो युद्ध का क्षेत्र है, क्रोध का है, तपस्या का है, कुछ भी है, वो शांति से आरंभ होकर के अंत में वो अपने मंगल की पूर्णता को, कल्याण या आनंद की पूर्णता को प्राप्त करता रहा है। ऐसी मेरी समझ है, संस्कृत विभाग की ऐसी समझ है। अब इसके बीच में जो हमें आज खोजना है, जिस पे हमें आज चर्चा करनी है, वो है कि इस सब के बीच में, जो कि अंग्रेजी में आप कोटेशन देख रहे हैं, स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेस वंस ओन पोटेंशियल कैन कोप अप विद नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली एंड इज एबल टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू देयर कम्युनिटी। तो इस दृष्टि से संस्कृतिस्ट संस्कृतज्ञ जो हैं वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, इन कुछ प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। और साथ ही मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा था कि इसमें दूसरे विभागों को मैं और जोड़ना चाहता था, विशेष रूप से होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक साइकोलॉजी, क्योंकि होम साइंस से हमें ये सीखने को मिल सकता है कि अगर हमने कोई रिकमेंडेशंस देनी है, अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आहार विज्ञान को हम वहां से दे सकते हैं। अगर हम फिजिकल एजुकेशन वालों को हम जोड़ना चाहते थे, तो इस दृष्टि से कि भी वो लोग योग और हेल्थ के ऊपर काफी बात कर सकते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, और संस्कृतिस्ट अपनी दृष्टि से उसको भी इस परिप्रेक्ष्य में अपने साथ ले सकते हैं, एडअप कर सकते हैं। साइकोलॉजी और म्यूजिक वालों को हम काउंसलिंग के पर्सपेक्टिव से और ऐसे संगीत की दृष्टि से जो भी लाभकारी हो सकता है, स्ट्रेस के टाइम में जो हमें एक शांति दे सकता है और हमें शांत कर सकता है समाज को और व्यक्ति को, तो उस दृष्टि से उन सभी विभागों को जोड़ने की इच्छा थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से कि इस में हम उन सभी को अभी जोड़ नहीं पाए क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव रहा, और फिर सभी से परमिशन लेना ये भी अपने आप में बड़ा काम हो जाता है। तो कुल मिलाकर के कृपया अंशु अंशु अपना माइक ऑफ कीजिए। तो कुल मिलाकर के ये मैंने एक बात आपके सामने रखी कि शांति इस महामारी के काल में हम शांति से कल्याण के बीच की जो यात्रा है उसमें संस्कृतज्ञ क्या रोल अपना सकते हैं। और संस्कृतज्ञ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जिसने शास्त्र कंठस्थ कर रखे हैं या संस्कृत पढ़ा रहा है, संस्कृत क्योंकि बड़ा एक व्यापक विषय है, वो आपके जीवन और मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ एक विषय है और बहुत सारी परिस्थितियों में वो आपके साथ रहता ही है, किसी न किसी रूप में वो रहता है, चाहे वो संस्कृति के रूप में रहे या किसी अन्य विषय के रूप में वो रहे। तो इसलिए संस्कृत के प्रति जो थोड़ा सा भी संवेदनशीलता रखते हैं या जानते हैं समझते हैं, तो वो सभी अपनी राय इस विषय में रख सकते हैं। विषय को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा लूं कि जैसे कि मैंने आप लोगों से बात की थी कि शांति और मंगल के बीच की यात्रा में, तो शांति का एक स्वरूप हमें यहाँ ये देखने को मिलता है, और शांति का रूप मैं पढ़ नहीं रहा हूँ सारे के सारे क्योंकि समय को मैं थोड़ा बचाना भी चाहता हूँ, केवल एक पृष्ठभूमि के रूप में, एक भूमिका के रूप में आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। एक तो ये यौ शांतिरंतरिक्ष गुम शांति, ये सब मंत्र आप जानते हैं,
और स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध शभा आदि इन मंत्रों से आप सभी परिचित हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक मॉडल भी जानते हैं, हेल्थ का मॉडल, जो हमारी सोसाइटी में हर इंडिविजुअल के पास होना चाहिए। मुझे नहीं पता इन चीजों को कभी क्यों नहीं एडॉप्ट किया गया बाकी विषयों में, एजुकेशन सिस्टम में, कि पश्चिम श्रद्धा शतम जीवे में श्रद्धा शतम। तो इस महामारी के काल में अगर इस मॉडल को हम किसी भी प्रकार संस्कृतज्ञों की ओर से या दूसरे लोगों की ओर से एस्टेब्लिश कर पाए, और इसके लिए वो स्ट्रेटजीज और वो संभावनाओं की हम तलाश कर सकें जिससे कि ये मॉडल जो है वो सोसाइटी में प्रचलित हो, कि 100 वर्ष जिए स्वस्थता से जिए, 100 वर्ष हम सुने, 100 वर्ष हम स्वस्थता से बोल सकें, और अदीना श्याम 100 वर्ष अदीन होकर के रहें। क्योंकि इस वक्त महामारी में यही एक समस्या बहुत आ गई है कि दीनता का प्रवेश हो गया है, क्योंकि दबाव बहुत सारे हैं, और वो दबाव चाहे वो भूख के हैं चाहे वो भय के हैं, क्योंकि नौकरियों का अभाव और बहुत सारे जो है अन्न का अभाव या उस सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए आप सब समझते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा। और ये जो मॉडल है, इस मॉडल का जो अगला जो स्टेप है वो भी आपको मैंने यहाँ पर संस्कृत शास्त्रों की ओर से लिख दिया है, कोट कर दिया है कि वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठिता। और क्योंकि इस वक्त यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हम, हमारी जो वाणी है वो मन में प्रतिष्ठित नहीं हो रही, कि हमारा मन जिस तरह से कह रहा है और जिस तरह की वाणी हम बोल रहे हैं दोनों में ठीक ठीक तालमेल नहीं बैठ रहा, और मन वाणी में भी प्रतिष्ठित नहीं हो रहा। ये एक आज के युग की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो ये सारा जो ज्ञान है और ये सारा जो हमारा व्यवहार है और जो हमारी भाषा है, इन सब में एक जो क्योस आने की स्थितियां बन रही हैं, हालांकि बहुत प्रयासों के द्वारा बहुत सारी बुद्धि की उपयोगिता से हम इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसका जो एक प्रभाव है वो हम देख ही पा रहे हैं कि लोग उसको झेलने में थोड़े से अक्षम होते जा रहे हैं। तो ये केवल एक भूमिका के रूप में कि हमारे पास ये चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन और इस स्लाइड को मैं छोड़ देता हूं अभी। तो सीधे सीधे मैं प्रश्नों पर आ जाता हूं, जिन प्रश्नों की वजह से हमने संस्कृत विभाग की ओर से ये चर्चा रखी है। निश्चित रूप से ये चर्चा है, कोई लेक्चर्स वगैरह वाली बात नहीं है। आप निश्चिंत होकर के अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने प्रश्न भी रख सकते हैं, जो भी आपको। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से बात की थी कि दो ही चीजें इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कर्तव्य कर्म क्या है हमारा और दायित्व बोध। कर्तव्य कर्म अगर आप ये मानते हैं कि आपने 4 पीरियड पढ़ा लिए और आपने घर के कामकाज कर लिए, खाना पीना खा लिया और घर से बाहर नहीं निकले सरकार के कहने पे, तो अगर तो कर्तव्य कर्म आपका इतना ही है तो फिर तो ज्यादा कुछ कहने वाली बात नहीं है, फिर तो आप श्रेष्ठतम हैं। और साथ ही दायित्व बोध को आपने कर्तव्य कर्म के साथ मिला दिया कि देखिए मुझे इस बात की जागरूकता है कि सरकार जब ये कहेगी तो मैं घर के बाहर जाऊंगा और नहीं कहेगी तो नहीं जाऊंगा। अगर इतना ही दायित्व बोध है तो भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कहीं भीतर से आप जागरूक हैं कि इस वक्त आप लोगों के आसपास गली मोहल्लों से लेकर के और बाजारों तक जो स्थितियां बन रही हैं, उन स्थितियों के बारे में अगर जागरूकता है तो निश्चित रूप से आपके कर्तव्य कर्मों के आयाम बहुत फैल जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। तो उसमें केवल शास्त्र चर्चा करके, उसमें केवल हम बातचीत करके इतिश्री समझ लें, ऐसा नहीं है। और ये चर्चा इसलिए भी नहीं है, ये केवल इसलिए है कि हाँ वैचारिक स्पष्टता हो तो कर्म करने में जो है वो सुविधा हो जाएगी, उसमें कहीं पर भी संकरता नहीं आएगी, अस्पष्टता नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों के साथ 4 प्रश्न शेयर कर रहा हूं, और कोशिश कीजिए कि अगर इसी के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करके बातचीत कर सकें। और ये जब मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि मैं केवल संस्कृतज्ञों की बात नहीं कर रहा, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी महसूस करते हैं, संवेदनशील लोग हैं, वो सारे संस्कृतज्ञ ही होते हैं। तो When whole humanity is in pain, sorrow, grief, are we doing enough? Is it sufficient? ये पहला प्रश्न है, पर्याप्त है जो कुछ आप और मैं कर रहे हैं। कहीं पर आप व्यक्तिगत रूप में इन आक्षेपों को मत लीजिएगा, प्रश्नों को आक्षेप मत समझिएगा, ये प्रश्न मेरे अपने से भी हैं और आप लोगों से भी हैं। Whatever we are doing,
How is it useful? How is it useful, relevant for society, humanity and large? जो कुछ भी आप और मैं कर रहे हैं उसमें से कितने प्रतिशत जो है वो सोसाइटी और मनुष्यता के लिए यूजफुल है और रेलिवेंट है? हो सकता है मैं घर में बैठ के पूजा पाठ कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, इतने से ही मैं अपना समझ लूँ कि मेरा कर्म इतना ही है, तो क्या ये कितना प्रासंगिक है, कितना उपयोगी है मनुष्यता के लिए और सोसाइटी के लिए? ये भी एक विचार करने की बात है। और एक बात यहाँ पर और मुझे ध्यान आ गई कि मुझे प्रेयर शब्द थोड़ा सा कुछ कभी संस्कृत के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक नहीं लगा। इन्वोकेशन मुझे लगता है कि वो ही एक सही शब्द है कि उद्बोधन है। जितने भी वैदिक मंत्र हैं या संस्कृत की परंपरा में आगे जितने भी आए हैं वो सारे के सारे एक उद्बोधन रहे हैं। अब आप उसको प्रकृति के साथ उद्बोधन समझ लीजिए या बाकी जो भी आप जानते समझते हैं उसका उद्बोधन समझ लें। तो इन्वोकेशन और प्रेयर में एक फंडामेंटल डिफरेंस रहता है कि प्रेयर जो है वो दीनता से उभर कर आती है। आप कहीं सहारा ढूंढ रहे होते हैं, कोई आपको लीड कर रहा होता है, वो वहां पे प्रेयर आवश्यक है। लेकिन इन्वोकेशन में आप और आपके कर्म, और वहां पर आप इन्वोकेट करते हैं कि मुझ में थोड़ी सी क्षमता और चाहिए और मैं स्वयं इसको करूंगा। तो पुरुषार्थ का संदर्भ इस उद्बोधन और इन्वोकेशन के साथ है। एनीवे, तीसरे प्रश्न की ओर आए कि व्हाट एवर वी आर डूइंग, व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स, कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं, हम पढ़ा रहे हैं, अब छात्रों को कितना पढ़ा पा रहे हैं? आप और मैं जानते हैं यथार्थ बड़ा कटु है कि 100 विद्यार्थी हैं तो 100 में से 30-35 इससे ज्यादा नहीं जुड़ पाते हैं। और वो उसमें भी कल परसों जब मैं कुछ बातें कर रहा था स्टूडेंट से और जब सर्वे कर रहा हूँ तो कोई खेतों में भी काम कर रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने अपना मोबाइल ऑन किया हुआ है और कई किसी के साथ बीमारी में किसी के साथ लगे हुए हैं। तो बहुत सारी समस्याएं स्टूडेंट्स की हैं इस वक्त, लेकिन मैं तो अपना दायित्व सरकारी तौर पर तो पूरा कर ही रहा हूँ कि मैं 4 पीरियड पूरे पढ़ा रहा हूँ। एनीवे, अंतिम प्रश्न भी हम ले लेते हैं। व्हाट इज अवर अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, इवैल्यूएशन अबाउट द इंपैक्ट ऑफ दिस कोविड ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। दबाव बहुत सारे हैं और इसने हमारे सोचने, व्यवहार करने के तरीकों में भी परिवर्तन किया, लेकिन फिर भी आप लोगों का अपना परसेप्शन क्या है और कैसे आप इस चीज को इवैल्यूएट करते हैं, इस बात को जरूर हमारे साथ आप शेयर करिए। अब एक अंतिम बात करके मैं आप लोगों के सबके विचारों को आमंत्रित करूंगा और आप सभी लोग अपने निसंकोच भाव से अपनी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी अनौपचारिक बातचीत रखने की हमने कोशिश की है। तो इसमें दो चीजें जो सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई संस्कृतज्ञ के तौर पे हमें, संस्कृत के टीचर होने के नाते मुझे लगती हैं, वो जैसा कि मैं शुरू में कह रहा हूँ कि सबसे पहली बात हंगर है, बुभुक्षा है कि लोगों को फीड कैसे करना, क्योंकि बार बार लॉकडाउन से जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी बंद हो रही है और लोगों के पास धनराशि अभी तो चलो जो जमा है उससे काम चल रहा है, लेकिन एक दो बार और लॉकडाउन लग गए तो बिल्कुल ही स्थिति खराब हो जाएगी। तो भूख को कैसे हैंडल करना है, ये इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरा, भय जो पैदा हो रहा है, चाहे वो वैक्सीन को लेकर के भी भय है और बीमारी को लेकर के तो है ही है, कि उस भय के कारण कई बड़े अजीबोगरीब व्यवहार लोगों को देखने के मिले हैं कि दूसरे को वो एंटरटेन भी नहीं करते, अपने ही लोग जो है वो अपने की मृत्यु होने पर उनको छू नहीं पा रहे हैं। तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा भय है और उसके कई सारे प्रभाव आप सभी लोग देख ही पा रहे होंगे। अब इसमें संस्कृतज्ञों से जब कभी छोटी मोटी ऐसे बात हुई, क्योंकि सामान्य रूप से संस्कृतज्ञ इस तरह की चर्चाएं कम ही करते हैं, तो दो तीन बातें मुझे समझ में आती हैं। ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की ओर, कि संस्कृतज्ञ या तो सामान्य रूप से कथा वाचन कर लेंगे, कर्मकांड कर सकते हैं कि यज्ञ कर लिया हमने, देखो जी लोगों के दुख दूर करने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मंत्रोच्चारण आप कर सकते हैं, या फिर आप ज्योतिष के हिसाब से कुछ अपने मूल्यांकन करवा सकते हैं, तदनुकूल कोई उपाय कर लेंगे। सामान्य रूप से संस्कृतक
के लोग जो हैं वो ये तीन चार चीजें ही करते हैं, और अधिक हो तो मुझे पता नहीं, आप लोग उसके बारे में बता सकते हैं। तो समाज और व्यक्ति के जो अलग अलग आयाम हैं, जो विविध स्तर हैं, उन इन चार के अतिरिक्त तो मुझे लगता है कि जो संस्कृतज्ञों को करना चाहिए था वो शायद नहीं कर पाए। पहली बात कि अंतःकरण परामर्श जो है, साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग है, वो बहुत जरूरी है और वो पांच प्रकार की है। वो मैं आपसे एक स्लाइड में शेयर कर लूंगा। आप म्यूजिक के हिसाब से भी उनको परामर्श दे सकते हैं, क्योंकि जिस दबाव में जी जा रहे हैं उसमें किस तरह का संगीत सुनना उनके लिए उचित होगा, जिससे कि वो रिलैक्स हो सकें और क्रिएटिव हो सकें। और इंटरेस्टिंगली इस वक्त म्यूजिक में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और जो लेटेस्ट मैंने अभी एक्सपेरिमेंट इनका सुना है वो है बुद्धिस्ट तिब्बतन म्यूजिक, जो बहुत ही खूबसूरत अपने आप में है और वाकई उसके प्रभाव अपनी तरह के हैं। उसके बाद योग के परामर्श तो आप सभी दे ही रहे हैं, सभी देते ही हैं, और बड़े बड़े आचार्य इस बारे में दे रहे हैं कि योग करिए आप। आहार का परामर्श, यहाँ पर मैं चाहता था होम साइंस के लोग हों और योग के संदर्भ में फिजिकल एजुकेशन के लोग हों कि किस तरह का आहार, क्योंकि वेस्टर्न जो आहार पद्धति है, जो उनका सिस्टम है और जो उनका कंटेंट है भोजन का, वो बड़ा ठोस है, और जबकि हमारा जो भारतीय भोजन के जो कंटेंट है वो बड़ा लिक्विड फॉर्म में रहता है। और उस तरह के आहार को किस तरह से लिया जाना चाहिए, ये एक काउंसलिंग संस्कृतज्ञों को करनी चाहिए थी, सजेशंस देनी चाहिए थी। और जो सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कर्म कैसे करें। आप इन सारी परिस्थितियों के बीच में रहते हुए कर्म को कैसे करें, और कर्म के बारे में आपकी अपनी समझ क्या कहती है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि अगर संस्कृतज्ञ और संस्कृति संस्कृति से जुड़े हुए जो भी लोग हैं या संवेदनशील लोग हैं, वो अगर इन पक्षों की ओर काम करें, तो मुझे लगता है कि हम कुछ एक सकारात्मक चीजें सोसाइटी को हम दे पाएंगे। और अंतिम बात कहकर के मैं आप लोगों के साथ समाप्त कर रहा हूँ और विचार आपके आमंत्रित कर रहा हूँ कि संस्कृत विभाग ने काफी देर से कई तरह के प्रयोग करने की कोशिश की है, उसमें से हमने पांच काउंसलिंग टेक्निक्स यूज किए अलग-अलग संदर्भों में पिछले कुछ वर्षों में, और कुछ के रिजल्ट्स भी अच्छे आए, लेकिन कुछ फॉलोअप नहीं हो पाए, और फिर उसके बाद क्योंकि उतना सहयोग और समर्थन नहीं मिलता तो इसलिए फिर वो बीच में ही छोड़ दिए। तो गीता को, जैसे कि हमने गीता की पद्धति को फॉलो किया, वो धार्मिक ग्रंथ की वजह से नहीं, केवल उसके विषाद को वो हैंडल कैसे करते हैं, अर्जुन के विषाद को, उस टेक्निक को हमने फॉलो अप करने की कोशिश की, और उस टेक्निक के आधार पे प्रयास हमने किया। फिर उसके बाद योग वशिष्ठ को भी हमने उसका प्रायोगिक व्यवहार करने की कोशिश की है कि ये जो एडोलसेंट एज में जो उदासी आती है, उचाटपन आता है और अकर्मण्यता की चीजें सी आती हैं, कि भी कॉलेज के ग्राउंड में बैठे हुए हैं, दिल ही नहीं करता क्लास में जाने का, तो योग वशिष्ठ पद्धति को भी वहां पे थोड़ा सा प्रयोग करने का हमने प्रयास किया। तीसरी एक जो काउंसलिंग टेक्निक त्रिपुरा रहस्य की है, इसको कभी यूज नहीं किया, लेकिन इट्स अ ब्यूटिफुल काउंसलिंग टेक्निक, कि किस तरह से जो है वो एक पत्नी जो है वो किस रूप में उस चीज को जो है वो काउंसल करती है अपने पति की, और वो फिजिकल लेवल टू स्पिरिचुअल लेवल किस तरह से यात्रा करवाती है, ये बड़ा इसमें महत्वपूर्ण है। चौथी जो काउंसलिंग टेक्निक यूज की, और ये इफेक्टिव भी काफी रही, कि दुर्गा सप्तशती का है, कि जब आप किसी प्रियजन को खोते हैं तो उस चीज को किस तरह से आप स्वीकार करें, किस तरह से हैंडल करें, ये बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है। ये टेक्निक के तौर पे यूज किए हैं हमने, कभी भी इन चीजों को किसी को ये रिकमेंड नहीं किया कि आप धार्मिक रूप में इसका पाठ करना शुरू कर दें और ये कर दें, ऐसा नहीं है। वो अपने पास ही रखा है कि हमने क्या करना है, केवल उसकी टेक्निक को यूज करने का प्रयास किया है। लेकिन ये भी नहीं है कि इन ग्रंथों को कभी हम अंडरमाइन करने का प्रयास किया हो। और पंचम पद्धति जो है काउंसलिंग की, वो पंचतंत्र की, जिसमें मूर्ख व्यवहार, अब मूर्ख को केवल ये मत इडियट ही मत समझेगा, ये इसमें जड़ता का व्यवहार जो है, उस व्यवहार को समझाने के लिए स्टूडेंट्स के साथ इसका काफी उपयोग किया, और ये काफी सक्सेसफुल भी रहा। और बड़ी अच्छी इसमें बात ये रही कि साइंस के स्टूडेंट्स के साथ जब हमने इस टेक्निक को क्लास में यूज किया,
तो इसके काफी अच्छे प्रभाव देखने को मिले, क्योंकि इसके माध्यम से उनको और कई कॉन्सेप्ट समझाने में बड़ी सुविधा हुई, जैसे कैपिटलिज्म का, कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट्स और सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट्स, और फिर उसमें जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, मतलब ये सारी कोशिशें हम लोगों ने संस्कृत विभाग ने अपनी ओर से की हैं। तो कुल मिलाकर के संस्कृत विभाग का ये रहा है, और काउंसलिंग की है, और ज्यादा हम एक्सपेंड नहीं कर पाए क्योंकि ना तो उतने मैन पावर है और ना ही हमारे पास उतने ये सुविधाएं होती हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा सोसाइटी में सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर पाए। तो कुल मिलाकर के ये मैंने आप लोगों के साथ ये सारा साझा किया है, अपना आइडिया, अपना विचार कि संस्कृत विभाग किस सारे विषय और इसकी वस्तु को इस रूप में देखता है, और आप लोगों से अब जो है वो आप लोगों की टिप्पणियां, आप लोगों के विचार, आलोचनाएं, वो सब सादर आमंत्रित हैं, और बिल्कुल निर्भीक भाव से आप अपनी बात रखें, और इस बात का भी संकोच ना करें कि वे क्या उचित है, क्या सही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो हैं सादर आमंत्रित हैं इस सारी चर्चा के लिए। एक बात और कह दूं आपके साथ कि ये विषय कुछ आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये तो मोरालिटी का विषय है, क्योंकि ये दो शब्द जो हैं अविनाश जी को देख करके मुझे ध्यान आ गया। अविनाश जी, हो सकता है कि कर्तव्य कर्म और ये दायित्व बोध जो है वो एथिक्स के और मोरालिटी के सब्जेक्ट मैटर ज्यादा लग रहे हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इस विषय को हम बहुत ही व्यापक दृष्टि से देखें, और कुछ भी जो निश्चित हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निश्चित होता तो भी कोई संकोच की बात नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी टिप्पणी जहां से भी शुरू करना चाहें, कोई प्रश्न रखना चाहें। नमस्कार मैम, सुषमा मेहता जी। जी, अगर आप कहें तो मैं हाँ ही हाँ प्लीज आरंभ आप शुरू करती करें तो बहुत ही अच्छी बात है। हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी हमने बात की कि संस्कृत, हम हमेशा से बात करते हैं कि संस्कृत संस्कृति, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय से बन गए हैं। संभवतः इसमें कुछ विरोधाभास हो सकता है, चर्चा का विषय है। मेरे हिसाब से इसमें और भी कुछ जोड़ा जा सकता है आज की परिस्थिति के अनुसार। संस्कृत संस्कृति, संस्कार संस्कृत से ही निकलते जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमने बात की कि सकारात्मकता, संस्कृत के आप जितने भी ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे वो छोटी कहानियां हो, लघु कहानियां हैं, कथाएं हैं, या बड़े बड़े ग्रंथ, हमें उनमें से सकारात्मकता ही देखने को मिलती है। यानी उसका अंत जो है वो कोई ना कोई शिक्षा या कोई सकारात्मकता से समाप्त होता है, पॉजिटिविटी देती है। अगर हम बात करते हैं कि मानसिक शांति चाहिए, तो अब मंत्र का उच्चारण करें, चाहे वो गायत्री मंत्र हो या ध्यान मंत्र हो या जैसे आपने अभी बताया शांति मंत्र, तो उसके आधार पर मानसिक शांति कहीं ना कहीं हमें वो प्राप्त होती है। ये हम अनुभव भी कर सकते हैं, सिर्फ ये कहीं सुनी बातें नहीं है, बल्कि हम इसे अनुभव करके भी देख सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर। इसके बाद दूसरी चीज आती है संवेदना। जैसे मैंने कहा कि सकारात्मकता है तो संवेदना अपने आप उद्भूत होती है, कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो वहां कहीं ना कहीं संवेदना जागृत होती है दूसरे के सुख के प्रति या दुख के प्रति भी। संस्कृत में एक भाव और है, जैसे अभी आपने चर्चा की कि संस्कृत संगीत से बहुत अच्छी तरह संबद्ध है, क्योंकि संस्कृत का आरंभ ही श्लोकों से हुआ है, और श्लोक को जब तक समुचित रूप से संगीतबद्ध न किया जाए, या वैदिक मंत्र हैं, वैदिक ऋचाएं, जब तक वो संगीत लयात्मक होती है तो उनका सुनने का आनंद अपना ही है। आज आवश्यकता ये तो है कि संस्कृति किस तरह से जुड़ा है वर्तमान परिस्थिति में। जैसे मैंने कहा कि हमें सकारात्मकता की बहुत आवश्यकता है। संस्कृत, क्योंकि यहाँ हम संस्कृत को जानने समझने वाले, और दूसरा जैसे आपने कहा संस्कृति को समझने वाले हैं, तो संवेदनाएं हैं, उसके लिए हमें आवश्यकता है आज सकारात्मकता की। कि हम जितने भी टीवी चैनल्स देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो एक से एक भयानक परिस्थिति है। एक तो हम पहले ही भयभीत हैं अपने अपने आधार पर, और दूसरा जब हम देखते हैं उसे सामने, तो वो एक का हजार होकर दिखता है।
और हजार का लाख और करोड़ कब हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पर हमें मानसिक रूप से बहुत अशांत कर रहा है। तो उस संबंध में सकारात्मकता के लिए जैसे मैंने कहा कि हमें सबसे बड़ी बात है कि हम अपने अंदर वो सकारात्मक लाएं, पॉजिटिविटी लाएं और उसे फैलाने का भी प्रयास करें। तो मैंने इस पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं, संस्कृत की ही हैं और संगीतबद्ध है। अगर आप कहें तो मैं वो पंक्तियां कुछ सुना सकती हूँ जो कहीं ना कहीं हमें एक सकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। मानसिक रूप से अगर आप उन्हें दो तीन पंक्तियां भी सिर्फ बोलें तो वो कहीं ना कहीं अनुभूत होती है कि हमें कहीं शांति मिल रही है। और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि यहाँ पर वर्तमान परिस्थिति में उद्बोधन मैं नहीं कहूँगी, जैसे अभी आशुतोष जी ने कहा कि यहाँ पर दैन्यता है, दीनता है, क्योंकि जो परिस्थिति हमने बना ली है, मनुष्य के रूप में हमने बना ली है, आज हम उसी में ही जकड़े गए हैं। तो जैसे कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर, मा संगो अस्तु अकर्मणी। कर्म हमें करना है, कर्तव्य करना है, हमें अगर मेडिसिन लेनी है, हमें अपने आसपास के लोगों को, चाहे वो हमारे घर में मेड हैं और कोई आसपास के लोग जिन्हें सहयोग की आवश्यकता है, हम छोटे छोटे स्तर पर वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वो कुछ पंक्तियां, अगर आशुतोष जी कहें तो जी, मैं जी, जी, हाँ जी। शुभम भवतु भवतु, शुभम भवतु भवतु, शुभम भवतु भवतु, शुभम भवतु भवतु, प्रभो क्षम्यताम, प्रभो क्षम्यताम, प्रभो क्षम्यताम, शुभम भवतु भवतु, प्रभो कुरु रक्षाम, प्रभो कुरु रक्षाम, प्रभो कुरु रक्षाम, प्रभो कुरु रक्षाम, शुभम भवतु भवतु, शुभम भवतु भवतु, शुभम भवतु भवतु, शुभम भवतु भवतु, प्रभो देहि सर्वेभ्यः आरोग्यम्, प्रभो देहि सर्वेभ्यः आरोग्यम्, प्रभो देहि सर्वेभ्यः आरोग्यम्, प्रभो देहि सर्वेभ्यः आरोग्यम्, शुभम भवतु भवतु, शुभम भवतु भवतु, शुभम भवतु भवतु, शुभम भवतु भवतु, प्रभो देहि विश्वाय शान्तिदानम्, प्रभो देहि विश्वाय शान्तिदानम्, शुभम भवतु भवतु, शुभम भवतु भवतु, शुभम भवतु भवतु, शुभम भवतु भवतु। यहाँ मेरी दीनता है कि कृष्ण ने कहा माम एकम शरणम व्रज, तो हम सब अपने तौर पर प्रयास करें और अंतिम उस ईश्वर को आधार मानकर। तो मेरी धारणा ये है कि सकारात्मकता होनी आवश्यक है। जी 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 मैम, थैंक यू सो मच। बीच में मुझे एक और हमारे बीच में विद्वान जुड़े हैं, मैं निश्चित रूप से उनसे चाहूंगा। के ई सदानंद उन्नी, ही इज अ चाइल्ड साइकेट्रिस्ट, सो आई विल रिक्वेस्ट हिम टू एड्रेस अस। I have unmuted. Is it okay? Yes, yes, yes. You are audible, sir. You are able to hear? Yes, yes. You are clearly audible. First and foremost, namaskar to everybody. Namaskar. And that is based on the sloka Agasha Pradidam Toyam Sadag Echyabit Sagare Tarvadeva Namaskaram Keshavam Pradigachyadi. When we are saying namaskar to one another, each other, it is reaching Lord Vishnu, Krishna. Because we think that an element of Him is available in us everywhere, and inside us also, outside us also. Now, coming to the point of inbuilt psychotherapy facility, which I am suggesting and noting, I would like to describe it to everybody and share that feeling to everybody. But the Bhagavad Gita is interpreted by many
authors. One of them from South North Kerala is Pandit P. Gopalan Nair, who has interpreted it in a symbolic way. Lord Krishna is representing the plan, the intellect, and Arjuna is representing the Kartavya Karma, the initiator of the Kartavya and Karma. And because of this symbolism and this lineage to our culture, we are all having a inbuilt psychotherapy where we are thinking that we are like a chariot and we are doing the karma according to the orders of the intellect, the element of Lord Vishnu within us. And that particular concept in a symbolic way is auto-psychotherapeutic to each of us who is sharing this culture of our ancient country. Thank you. Great. Really great. You have very briefly and very precisely you have put forward your point. But before that, I will like to understand one more thing. Since you are child psychiatrist, you are dealing with children also. So how do you see these pandemic, how do you find these children behavior or changes in the children behavior in these pandemic times, and how you have counseled them? Have you tried this? During the pandemic? Yes. When anybody, doctor, psychologist, psychiatrist, anybody, if they are confronting the children, there are many things to be kept in mind. One is the child's problem of not having the facility to socialize, communicate with the neighbor, with the society, with the school, with the friends, and he is confined. And because of that, he is becoming or she is becoming a little restless, unhappy, and having low mood. And this is producing problem in the behavior of the children, which the parents are not able to control. So what we have to bear in mind is, we have to keep away all our classificatory system of psychiatric disorders and come down to the present problem of COVID and its management. And jumping into diagnosis, which are well established concepts in the psychiatric textbooks, it should be kept away now. We have to think about the present problem and look at it in a humane way, with a humanitarian point of view, child development point of view, and we will have to give inputs to the child and also the parents as to how to manage this situation. What I am doing is, I am suggesting to them, all these are over the telephone, online, I am suggesting to them that child development, it is a process which we are not able to arrest or anything. It goes on. It is beyond our control to stop it during the COVID period. He has to develop, he will be developing. She has to develop, she will be developing. So what we have to do is, we have to find out alternatives within the home, indoors, how to manage them. One way is to engage them in artistic work, monoact drama type of therapy, artistic painting like type of work, just like what you said, making them hear music, tell stories, and not only that, for their physical activity, every hour, if possible, 10-15 minutes of physical activity, which is not slow activity, but a little fast activity. Symbol can be fast walking, running, jumping, etc., or playing some indoor games, or even outdoor games in the portico, etc. This is how we are managing. Okay. That's fine. So that's a good thing. And let us see.
we'll take up these issues in the last when we conclude this discussion session. So thank you, sir. Thank you so much. I would like to suggest a small thing. Yes, yes, please do. So, there are 33 participants and you as a leader. I would like to suggest to each one of you, please go to the Google and type in YouTube and then put Surya Gayatri. Okay. SURYAGA. Okay, you can you put it can you put it in, can you put it in a chat box? Yeah, I will do it. That will be better. Chat box. And you also write bhajan songs and you will get very, very, very good bhajan songs in the website. Okay. Please hear and enjoy during your karma of the COVID period. Thank you. That's beautiful expression, karma. Theek hai. Hamare saath Dr. Professor Avinash Srivastav ji, wo jude hue hain. So I will request him to make his observations and comments on this issue. He is professor of Buddhist studies at Nalanda University in from Bihar. So I will request him to make some comments on this issue. धन्यवाद आशुतोष जी. वस्तुतः बड़े माने मनोयोग से मैं इन दोनों वक्ताओं को सुन रहा था और जो बात मेरे मस्तिष्क में आ रही थी कि वर्तमान काल में दो प्रकार की बातें हमारे साथ आ रही हैं. पहला तो इतना विषाद हो रहा है कि बहुत सारी दुर्घटनाएं इस विषाद के कारण, इस भय के कारण हो जा रही है, क्योंकि हम इतने भयाक्रांत हो चुके हैं कि हमारे अंदर वह विश्वास का जागरण नहीं हो रहा है. और तब मुझे गीता का स्मरण आता है जहां पर वो श्री कृष्ण से कहते हैं, कार्पण्य दोषो निहित पहायं पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ चेता. और तब वो कहते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में अतीत की चिंता अनपेक्षित है और आवश्यकता है अंदर एक विश्वास की, क्योंकि जो संशय करता है संशय आत्मा विनश्यति. अब मृत्यु के ऊपर इतना भयाक्रांत होकर के संशयित होने की कोई अपेक्षा नहीं. आपके आख्यान को मैंने सुना और मैंने देखा कि वर्तमान स्थिति में दो बातें आ रही जी. तो सारी समस्याएं हम आतंकित होकर के भी पैदा कर रहे हैं, हमारी संवेदनशीलता समाप्त होती चली जा रही है और आवश्यकता है ऐसी स्थिति में अपने अंदर विश्वास के जागरण करने की. जब तक हम अपने अंदर विश्वास का जागरण नहीं करेंगे तब तक हम अपने कार्यों को संपादित करने में असमर्थ होंगे. और इसके लिए बौद्ध धर्म में एक बड़ा ही अच्छा सूत्र दिया हुआ है जिसे हम सम्मा व्यायाम कहते हैं. सम्मा व्यायाम का अर्थ है कि हमारे अंदर जितने भयाक्रांत करने वाले विचार हैं, जितने अशुभ विचार हैं, जितने आतंकित करने वाले विचार हैं, सबको हम समाप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक ये चीजें रहेगी तब हम सम्यक रूप से इन सारी चीजों का न तो अवलोकन कर पाएंगे, न तो आकलन कर पाएंगे और न तदनुरूप हम काम कर पाएंगे. और दूसरा है अपने अंदर विश्वास की संरचना करने, क्योंकि बाहर से आने वाले जो हमें भयाक्रांत करने वाले विचार हमारे मस्तिष्क को प्रभावित न करें, इसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने अंदर इन सारे विचारों को आने न दें. और तीसरा है अपने अंदर शुभ विचारों को जागृत करने की. वी मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन द लाइफ. जैसे युधिष्ठिर ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा था किम आश्चर्यम, तो उत्तर में कहा था कि जब पूर्ण विश्व में मृत्यु का तांडव हो रहा है फिर भी हम अमृत की कामना करते हुए अपने कार्यों को संपादित कर रहे हैं. हमें इस प्रकार के भाव अगर हम जागृत करते हैं तो मृत्यु का इतना बड़ा तांडव नहीं हो सकता है, हम उन्हें दूर करने में समर्थ हो जा सकते हैं. क्योंकि भय के कारण बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं, जो करणीय है, वह भी हम भूल जाते हैं, विसमृत कर जाते हैं. और इसके लिए आवश्यक है
कि अपने अंदर विश्वास का संचार करें, और तीसरा है और चौथा है कि हम समस्त प्रकार के अशुभ विचारों को धारण करें, जो हमारे पास विचार आ रहे हैं इन सारी चीजों को दूर करने का, उसे संकलित करें। ये तो हो गया मानसिक रूप से। जी, शारीरिक रूप से भी तो गीता में बड़ी अच्छी बात कही गई है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवते दुःखा। अगर हम इसका नियमित रूप से पालन करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे कार्यों का निदान संभव है। ऐसी बात नहीं है कि कोरोना इतनी बड़ी महामारी है कि हम उससे अलग हो जाते हैं, और ऐसी अवस्था में दो बातें अपेक्षित हैं। पहली बात, अपने अंदर मानवीय संवेदनाओं को जागृत करना। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे बगल में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम इस भय से नहीं जाते हैं कि शायद मुझे कोरोना हम ग्रस्त ना हो जाए। तो ये जब तक मानवीय संवेदना हमारे पास नहीं रहेगी तो हमारे डॉक्टर, हमारे जो है स्वास्थ्यकर्मी, ये सारे लोग काम कैसे कर पाएंगे। तो हमें उसे भी जागृत करने की आवश्यकता है। और सम्या सती, जिसको सम्यक स्मृति कहते हैं बौद्ध दर्शन में, उसका अनुपालन हमारे लिए आवश्यक है। सम्मा सती हमें बराबर स्मरण दिलाता रहेगा कि हमें घर से अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क डालने उसका स्मरण रहना है, घर से अंदर आ रहे हैं तो हाथ पांव को प्राक्चालित कर लें। और प्राचीन काल में इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रही है, और मैं समझता हूँ कि हमें इतना ज़्यादा भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं धम्मपद के एक सूक्त के बाद अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। वो कहते हैं सब पापस्य अकरण, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि आपदा को भी अवसर बना रहे हैं, एक प्रकार का कार्य है, तो इससे हमें विरत रहने की आवश्यकता। उदाहरणों में जाना नहीं चाहेंगे तो सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा, अपने मन में कुशल विचारों का करें, दया का भाव, सेवा का भाव, सहयोग का भाव लाएं। अभी देखिए ना, वो हमारे मित्र हैं दवे साहब, गुजरात में हैं लेकिन पूरे भारतवर्ष में वो एक संगठन है, माने धार्मिक संगठन है, भाषण दिए थे तो उन्होंने जितने उनके स्वामी नारायण मंदिर जितने थे उस सबों को उन्होंने अस्पताल में बदल दिया। जी जी, मंदिर वहीं रह गए लेकिन वो अस्पताल हो गए, देवता हमारे जो है कोरोना पेशेंट हो गए, और जितने पुजारी थे वे सब स्वास्थ्य कर्मी में परिणत हो गए। जब तक इस प्रकार का भाव हमारे अंदर नहीं जागृत होता है तब तक इस पर विजय पाना असंभव है। और इसके लिए दो बातें आवश्यक है, क्योंकि गीता कहती है संशय आत्मा विनश्यति, संशय करने की आवश्यकता नहीं है। और बुद्ध कहते हैं सद्धाय तरत योगं, अगर हमारे अंदर विश्वास है तो समस्त प्रकार के इस प्रकार के जो माने विभीषिका है इसके समुद्र से भी हम पार कर सकते हैं। जी धन्यवाद सर, बहुत सही बात कही है कि अगर ये सम्यक्ता आ जाए तो मुझे लगता है कि इस महामारी को सहन करना और इस महामारी के साथ उपक करना बहुत सरल हो जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी और मनमोहन शर्मा जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर आर के गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अश्तोई नमस्कार। जी जी, जी सर, पहले तो मैं आपको और जो मेरे जो पूर्व वक्ता ने बात कही है उनके लिए आप चारों का बहुत बहुत आभार। मेरे को लग रहा था कि शुरू जैसे आपसे मेरी बात भी हुई थी कि मुझे लग रहा था कि कहीं मैं इस जो विद्वान लोग हैं कि उनके बीच में कहीं मिसफिट ना हो जाऊं, लेकिन सभी ने जो भगवत गीता की बात की तो मुझे लगा कि शायद मैं भी अपनी कुछ बात कह पाऊंगा। सभी ने बहुत ही अच्छी बातें कही। मैं थोड़ा सा सर एक तो संगीत के बारे में मैं कहना चाह रहा था, ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट लिया आपने, और मुझे याद है कि अभी 3-4 दिन पहले एम्स के जो डायरेक्टर हैं गुलेरिया जी, उनका इंटरव्यू सुन रहा था मैं, तो उनसे एक प्रश्न किया गया था
कि भी इस आपदा के समय में जब आप इतने व्यस्त हैं, मन विचलित रहता है, तो आप कैसे अपने मन को उसको करते हैं? तो उन्होंने ये कहा था कि मैं जब समय मिलता है, जब भी कभी, तो पुराने गाने सुनता हूँ। तो संगीत के अनेक रूप हो सकते हैं कि जो मन को आपको शांत करते हैं, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। जहाँ तक बात है, थोड़ी सी मैं करना चाह रहा था कि बहुत अच्छी बातें कही गई, तीन चार बातें भगवत गीता के ही संदर्भ में कह रहा हूँ सर। समय के कम होने के कारण मैं श्लोक तो नहीं पूरे बता कहना चाहूंगा। जैसे आपने शुरुआत में की थी बात, और अविनाश जी ने भी भोजन की बात भी की, और वो किया युक्त आरस्य की बात करी छठे अध्याय के, यदि आप 18वें अध्याय का देखें, आप 51 से लेकर 53 तक का, आखिर में 53 वो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की, शांति युक्त व्यक्ति जो है, जो पात्र हो सकता है वो कौन है? प्रारंभ जो करते हैं वो विशुद्ध बुद्धि तथा सात्विक भोजन से। तो आज यदि इस कोरोना के समय में हम देखें, आज जो हमारा दैनिक जीवन में इस कोरोना से पहले जो हमारा व्यवहार रहा है खान पान का, उसके ओर हमने ध्यान नहीं दिया, उससे भी मैं ये समझता हूँ कि ये बीमारी जो है महामारी बनी है। तो हमें ध्यान देना होगा अपने भोजन पर भी। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ सर, दो तीन बातें सिर्फ, ज्यादा नहीं, संक्षेप में कहना चाह रहा हूँ भगवद गीता के संदर्भ में, कि इसके लिए हमें समभाव को अपनाना होगा, और इसके लिए आप भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक नंबर 27 लेकर 30 तक देख लीजिए, उससे सफिशिएंट हो जाएगा। और दूसरी बात उससे भी इम्पोर्टेंट जो है वो है सर, भगवद गीता में एक और सूत्र दिया गया है, सर्वभूत हिते रता, जो कि अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3 और 4 में है। ये बहुत आवश्यक है। जहां तक स्वस्थ शब्द की बात है सर, भगवद गीता में केवल एक बार आया शब्द स्वस्थ, 14वें अध्याय में 24वां श्लोक है, कि जिसमें स्वस्थ व्यक्ति की उन्होंने परिभाषा दी है, जिसके लिए मन शांत होना बहुत जरूरी है। आज अभी अविनाश जी जैसे बहुत अच्छी बात कही थी कि संशय को खत्म करना बहुत जरूरी है। संशय है, भगवान श्री कृष्ण का अर्थ ही यही है सर, कि कृष्ण का अर्थ क्या है, कि जो संशय को दूर करता हो। और सुषमा जी ने भी बहुत अच्छी, उन्होंने तो काफी संक्षेप में यदि तो बहुत से मुद्दे लिए, जिसमें उन्होंने संगीत की बात की, सकारात्मकता की बात कही, संवेदनाओं की बात कही। ये वो संवेदनाएं हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं, जिनको सुषमा जी ने बहुत अच्छे ढंग से कहा, और जो डॉक्टर साहब ने कही बात, जो कि मनोविज्ञान के हैं, बहुत अप्रोप्रिएट बात कही उन्होंने। और जो आपने उनसे बाद में जो प्रश्न किया था कि हम बच्चों को कैसे, जैसे उन्होंने बताया कि कैसे मनोविज्ञानिक रूप से हमारे बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ सर इसमें, जैसे मैं अपना ही उदाहरण देके कर रहा हूँ कि आपको पता है कि मेरी दो पोतियां हैं, तो मैं उनको अंगेज करने के लिए नृत्य के उसके उनके साथ लग जाता हूँ करने, कभी म्यूजिक सुनने लग जाता हूँ, ताकि ये जो आज जो स्थिति आ रही है ना इस महामारी के कारण अकेलेपन की, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसमें कोई किसी के पास आने जाने के लिए तैयार नहीं है, प्रिकॉशंस के साथ भी, तो इतने हमने प्रिकॉशंस कर दिए हैं कि कहीं ना कहीं सोशल, कहा तो गया कि सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन हमने क्या करा कि सोशल को तो भूल रहे हैं, डिस्टेंसिंग पर ध्यान दे रहे हैं। सही बात है। तो इस सोशल को जो है सर, आप समर्पण की दृष्टि से ले लें यदि आप, तो मैं ये समझता हूँ कि, और इसके लिए सर जिसे हम, आपने भी जैसे शुरू में कहा था, हम पूजा वगैरह करें, भगवान श्री कृष्ण ने भी ना सर 18वें अध्याय का यदि आप 46वें श्लोक देखें, तो उसमें बड़ा क्लियर है कि आप एक बार समर्पण कर दें भगवान को, तो उससे क्या होगा कि मैं ये समझता हूँ कि हमें मानसिक शांति मिलेगी। और जैसे कि तीनों ही वक्ताओं ने कहा, मैं समझता हूँ कि जो सकारात्मकता है वो हमें अपने
ग्रंथों के अध्ययन से भी मिलेगी, क्योंकि हमें एक अवसर मिलता है जब हम घर पर रहते हैं तो हम अपने दैनिक जीवन से हटकर स्वाध्याय पर जोर दे सकते हैं, और उस स्वाध्याय के अनुरूप जब हम कार्य करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि इस महामारी से हम निमट सकते हैं। महामारी इतनी बड़ी नहीं है सर जितनी हमने मनोवैज्ञानिक रूप से इसको बना लिया है। तो हमें आवश्यकता है कि समर्पण के साथ सर्वभूत हितेरता को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को करें, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है। धन्यवाद जी। धन्यवाद डॉक्टर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम शायद ये जी जी ये नरेंद्र दत्त जी आप जी नरेंद्र दत्त दिल्ली से जी सर, बड़ा अच्छा आज का ये सारा रहा। मुझे लग रहा है कि हम सब क्योंकि पहले से ही मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे से विषय को रख दिया है, लेकिन फिर भी एक दो बातें मन में आ रही हैं, तो मुझे लगा कि वो भी आप सबके बीच में रखूं। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि भी लाभ हानि जीवन मरण यश अक्षत विधि हाथ ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपने प्रारंभ में भी एक बात रखी थी कि जो है मंत्र शक्ति की भी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो बोलते ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो कहीं ना कहीं वो झलकता है। इसलिए हमने तो ये सुना है कि मंत्र जाप दृढ़ विश्वास हमने सुना है, तो मंत्र की भी शक्ति है और साथ में जो है अपने मन को भी जो है वो मजबूत करना है जी। और डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। नरेंद्र पूरे दिल्ली में काम करते हुए जी जी संवाद संवाद जरूर हमें कायम करना चाहिए, एक दूसरे से बात करते रहना चाहिए, उससे भी बड़ा जो है वो आपस में जो है आत्मबल भी मिलता है और एक दूसरे के साथ जो है हम क्या है वो सीमित हो गए अपने अपने दायरे में, तो उससे भी जो है काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, विशेष रूप से मानसिक तनाव तो बना ही हुआ है, तो ये दो तीन बातें हम करें तो मुझे लग रहा है उसका भी लाभ मिलेगा जी। ये मैंने प्रैक्टिस करके देखा है। ओके चलिए ये अच्छा आपने बताया है, और जब कंक्लूडिंग रिमार्क्स इसको बनाएंगे तो फिर हम देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं, लेकिन अभी तक मुझे एक चीज जो समझ में आ रही है कि पीस और वेलबींग के बीच की जो यात्रा है वो हम अभी जो रिकमेंड कर रहे हैं वो विश्वास पे शायद कर रहे हैं कि हमें विश्वास लाना होगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा संशय इस बात को लेकर के है कि विश्वास या समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग इन सब चीजों के बारे में यदि बन जाए तो मुझे लगता है कि ये सब ज्यादा आसान होगा, इन सब चीजों को हैंडल करना, इन सारी परिस्थितियों को हैंडल करना जो है वो ज्यादा सम्यक रूप से हम कर पाएंगे, लेकिन चलिए वो लास्ट में हम चर्चा लेंगे। और किसी का कोई बात अपनी रखना चाहता है, कोई परसेप्शन, कोई टिप्पणी, ये कुछ सभी गुरु जी जी कृष्ण कुमार जी डॉक्टर कृष्ण जी सभी गुरुजनों को मेरा नमन। जो कोरोना वायरस जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये वास्तव में मार्कंडे पुराण में वर्णित दुर्गा सप्तशती के अंदर जो रक्त बीज दानव है वह है, तो रक्त बीज का जो संहार है वो शक्ति के द्वारा ही हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को ही सभी इंसानों को अपनी शक्ति को जगाना चाहिए और उस शक्ति से हमारे अंदर आत्मविश्वास जन्मेगा और उस आत्मविश्वास से जो आज हमें संघर्ष की आवश्यकता है वो हम करने में सक्षम होंगे जी। और जिससे क्या होगा हमारे अंदर जब वो उस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे शक्ति के द्वारा तो हमारे अंदर संतुलन आएगा, और मुझे लगता है कि वो संघर्ष भी जीवन है और वो संतुलन भी जीवन है, और उस शक्ति के माध्यम से ही हमारे अंदर अभिनवता का संचार होगा जिसको आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक तंत्रसार इत्यादि ग्रंथों में बताया है, और उससे हम अपना जीवन जिंदा दिली के साथ जीने में समर्थ होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छी बात है, और ये तुलना जो आपने की है मेटाफर रक्त बीज वाला है बड़ा सुंदर है और बड़ा प्रासंगिक है, ये बिल्कुल वस्तुतः ही
रक्त बीज वाली स्थिति है कि जहां जहां उसके ड्रॉप्स गिरते हैं वहां वहां कोरोना और पैदा हो जाता है। तो दिस इज रियली गुड, ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात आपने एड अप कर दी है हमारे ज्ञान वर्धन में। और कोई टिप्पणी करना चाहे कोई आहार के ऊपर? रक्त बीज की जो बात की उसका जो संहार हुआ जी, इसका संहार भी उसी प्रकार से संभव है। हम देखते हैं सप्तशती में कि दुर्गा जब उस रूप में आती है तो उन्होंने जितनी भी शक्तियां थी, चाहे वैष्णवी है, चाहे ब्राह्मी है, चाहे शिव की है, यानी जितनी भी शक्तियां थी उन सभी का कुछ ना कुछ रूप लेकर के इकट्ठी सामूहिक रूप से जो है ये हुई, तभी रक्त बीज का संहार हो पाया। तो यहाँ भी हमारा समाज जब तक सारा इकट्ठा नहीं होगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तब तक इसका उपाय नहीं हो पाएगा। यदि सारी शक्तियाँ मिलकर लड़ेंगी तो निश्चित रूप से रक्त बीज रूपी महामारी नष्ट हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। चलिए, और किसी की कोई टिप्पणी हो? हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, मैडम शिमला से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर अंजलि दीवान, या और कोई लोग भी अपनी टिप्पणी रखना चाहें संक्षेप में रख लीजिए ताकि फिर हम इसको कंक्लूड करने की ओर। मैडम आप कुछ दोबारा कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहती हूँ, जैसे आपने बात की अभी आहार की, तो मुझे नहीं पता है कि आजकल डॉक्टर्स क्यों नहीं वो बताते, उस पर क्यों एम्फसाइज नहीं करते, जोर नहीं देते कि कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि समस्या ज्यादातर है लंग्स की या है लिवर की, वो डैमेज हो गया, वो परेशानी हो गई। तो मेरे विचार से दो बहुत प्रमुख कारण हैं। लंग्स का असर, जो लंग्स पर जो भी नेगेटिव है उसका नकारात्मक प्रभाव होता है, वो है कि लोग जो धूम्रपान बहुत करते हैं। पहले इस बात पर बहुत जोर दिया जाता था कि धूम्रपान करता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कोरोना समय में क्यों ये डॉक्टर्स नहीं कहते कि इसे बिल्कुल बंद कर दिया जाना चाहिए, धूम्रपान बिल्कुल ना करें। लिवर की बात आती है तो शराब, मदिरापान, कि ये आपके लिवर को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। और इस कोरोना काल में तो इस पर ज्यादा एम्फसाइज देना चाहिए, जोर देना चाहिए। पता नहीं डॉक्टर्स क्यों नहीं कहते, क्योंकि सबसे पहले देखते हैं दुकानें वही खुल गई। ठीक है, बहुत बड़ी समस्या है जिस पर जोर दिया जाना चाहिए। संभवतः हम इसका कुछ उपाय ढूंढ ले, काफी हद तक हम लेकिन मैडम इसका इशू जो है ना वो इकोनॉमिक इशू ज्यादा है। अब क्योंकि आज हमारे लिए इकोनॉमिक ज्यादा जरूरी है या मानवता को बचाना, ये सबसे बड़ी एक समस्या है। तो बात समझता हूँ मैं, क्योंकि इस वक्त पेट्रोल, सिगरेट्स और ये जो ड्रिंक्स हैं इसी से आपका रेवेन्यू चल रहा है, ज्यादा जीएसटी इसी से आ रही है अदरवाइज। लेकिन बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मानवता कहीं पीछे रह गई, ये सब हमने क्रिएट किया है। समझता हूँ आपकी बात को, पूरी गंभीरता के साथ समझ रहा हूँ, यही कहना चाहता हूँ। लेकिन ये कई सारे मिक्स सबसे इश्यूज हैं, और कुछ हमें चेंज करना है कि हमें मानवता चाहिए या रेवेन्यू चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। गिरिराज जी नमस्कार, डॉक्टर पवन आ रही है। हाँ जी डॉक्टर पवन कुमार जी, अविनाश जी, जी जी आपका ये बहुत ही बेहतरीन वक्तव्य सुन रहा था, और मैडम ने जो अभी बात रखी है जी, मेरे ख्याल से अपने उस सभ्यता के उन पुरोधर, जिस सभ्यता को आज सारी दुनिया नतमस्तक होती है, जिन तक्षशिलाओं में, जिन हमारी पुरानी लाइब्रेरियों में आज लोग आके अपने माथे रगड़ते हैं, और वहां पर हमने उन सारे अपने उस आयाम को इस तरफ धकेल दिया है कि हमें लाभ चाहिए, हमें आपदा में भी लाभ चाहिए। और ये मैडम का जो दर्द है, ये धूम्रपान के ऊपर लिखा हुआ है इससे कैंसर होता है, ये फेफड़ों का रोग है, और ऐसे ही हमारा जो ये हम शराब पी रहे हैं इसके लिए हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हमें तो सारी विश्व को अब रोशनी देनी होगी कि ये शराब पीने की परंपरा हमारी महिलाओं में, बच्चियों में आने शुरू हो गई है, एक वेस्टर्न एक कल्चर के नाम पर अपने आप को एडवांस घोषित करने के लिए उन्होंने सिगरेटें पीना शुरू कर दिया, और इसको हम नॉर्मल मान रहे हैं और उनको वैश्यवृत्ति के दलदल में धकेल रहे हैं। तो रेवेन्यू जनरेशन के ये बहुत ही एक आज के इस आपके वक्तव्य के संदर्भ में इन चीजों का बहुत अंदर टीस उठती है कि हम एक सभ्यता के मालिक हैं, हम दुनिया के अंदर एक हमारा एक स्थान है, और सारी दुनिया जो भी लोग सोचते हैं दर्शन में या इंसानियत में जिनका थोड़ा भी झुकाव है,
बिल्कुल बिल्कुल आज इस कोरोना ने कर दिया है वो इस दिशा में सोचते हैं, तो हमें तो आगे बढ़कर अपने देश को बचाना है। और खासकर मैडम ने तो इन आई जस्ट फॉरगॉट हर नेम, उन्होंने तो बिल्कुल सी हैज एक्सप्लेन द थिंग्स टू द कोर ऑफ आवर हार्ट कि इसका कारण ही इम्यूनिटी को बर्बाद ही यही चीजें करती है। तो सर और अभी मैं एक और चाह रहा था कि मेरे एक दोस्त ने, वो बुद्धिस्ट मित्र हैं, उन्होंने मुझे कुछ भेजा है, तो मैं आपकी इजाजत हो तो मैं उसको चैट बॉक्स में डाल दूं। डाल दीजिए प्लीज प्लीज शेयर कीजिए। धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर नमस्कार प्रणाम जी। अविनाश जी बहुत संक्षेप में जो भी आप टिप्पणी कर रहे थे, और उसके बाद किसी और की कोई टिप्पणी है तो करें, मैं तो फिर आशुतोष जी मैं एक मिनट जरूर लेना चाहूंगी। जी जी मैडम अंजलि दीवांश शिमला से हैं, सेंट बीज कॉलेज से और होम साइंस से हैं, तो प्लीज डू शेयर। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो ये कोरोना वायरस COVID-19 है, ये हमारे शरीर के बाहर नॉन लिविंग है। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर आता है ये लिविंग हो जाता है, और ये सो इट इज सो प्रिमिटिव। जो ह्यूमन बीइंग्स है सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड है, इसका कोई सिस्टम नहीं, कोई आंखें नहीं, कोई हार्ट, कोई सिस्टम्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी को टेक ओवर क्यों कर रहा है। ये एक फ्लू वायरस है, 200 फ्लू वायरसेस हैं, कॉमन कोल्ड वायरसेस हैं, उसमें से ये एक है। और फ्लू वायरस, जब मेरे को फ्लू होता है, मुझे क्या होता है, जुकाम होता है, बुखार, खांसी, आंख नाक से पानी आना, 4-5 दिन के बाद मैं ठीक हो जाती हूँ। लेकिन जो ये वायरस है ये वाया द लंग्स हमारे ब्लड में चला जाता है, और फिर जो ऑक्सीजन है उसको ये लेना शुरू करता है, जिसके कारण प्रॉब्लम होती है, और फ्लू वायरसेस ये नहीं कर रही। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज ये इतनी छोटी, इतना छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमको दिखता नहीं है, हम उससे बहुत ज्यादा डर रहे हैं। मैं क्योंकि कितनी कितनी मौतें हुई हैं, लेकिन इस टाइम हमको अपना मनोबल, हमको स्ट्रांग रहना है, हमको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। जैसे कितने वक्ताओं ने बोला कि आप अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए, आप नई नई चीजें करिए, आप अपने ग्रंथ पढ़िए। अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो गया, इसको इसका हमारे शरीर के ऊपर विजय पाना बहुत आसान हो रहा है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ दिस वायरस एंड फाइट विद टूथ एंड नेल। अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच जी। अविनाश जी अभी कहीं मैं एक जर्नल पढ़ रहा था, उसमें यह स्पष्ट बातें लिखी हुई है कि जो लोग शारीरिक श्रम अधिक कर रहे हैं वे कोरोना से उतने प्रभावित नहीं होते हैं जो बिल्कुल जो है श्रम नहीं कर रहे। वर्तमान स्थिति में दो बातें दृष्टिगत हो रही, तो उसमें एक और बात कही थी कि जितना श्रम करते हैं, मॉर्निंग वॉक हुआ, इवनिंग वॉक हुआ, घर का काम हुआ, उसमें हमारा स्वेद बाहर आता है, और स्वेद जब बाहर आता है वो कोरोना को प्रभावित करता है और वो आपके पास उसे सकते नहीं देता। और दूसरा है कि आपका इम्यूनाइजेशन भी बढ़ता है। दूसरी बात यह है कि अभी मैडम अंजलि दीवान बता रही थी कि मनुष्य के मस्तिष्क में जो नकारात्मक वृत्तियों का जो संचय हो गया है वो हमारे कोरोना वायरस को बहुत ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करने लगा है, तो इस प्रकार के पॉजिटिव थॉट्स को भी जनरेट करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। थॉट्स को जनरेट करने के लिए दो बातें हो सकती है, जैसा कि अभी कई वक्ताओं ने कहा कि किसी ने कहा दुर्गा सप्तशती का पाठ कर, एक तो हम जब भी कोई भावात्मक विचार के लिए अगर नहीं कोई पॉजिटिव मिल रहा है तो अपने आप को विशु सरेंडर टुवर्ड्स द गॉड। गीता में कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यजन मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर हम सरेंडर भी कर देते हैं तो कम से कम वह नकारात्मक प्रभाव विचार हमारे हमें प्रभावित करने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि हम तब संशय में नहीं रहते हैं, हमारा मस्तिष्क जो है बड़ा मजबूत रहता है, और जब तक हमारा मस्तिष्क मजबूत नहीं होगा तब तक हम कोरोना से फाइट नहीं कर सकते। और तीसरा है, आपने बड़ी अच्छी बात आरंभ में कही थी, हमें नियमित रूप से योग अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि आज की जिंदगी को देखकर मुझे लगता है घर में ही, मैं भी रूम में ही बंद हूँ, हमारे घर में 11 लोग प्रभावित है कोरोना से, अभी मुक्त हुए हैं जिस मकान में मैं हूँ, तो बड़ा तो कमरे में था तो एक लगा कि रेलगाड़ी के डब्बे में है, खाता हूँ, पीता हूँ, बिछावन पर लेट जाता हूँ। तो इस प्रकार की अक्रियता भी हमारे हमें प्रभावित कर रही है,
इसलिए हम अगर योगाभ्यास करते रहें, प्राणायाम करते रहें, दिन भर कुछ न कुछ कार्य करते रहें, तो हम समझते हैं कि सकारात्मक विचार और योगाभ्यास बहुत हद तक कोरोना से मुक्त होने में हमें सहायक होगी। और वैसे भी युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि अब किसी और की कोई टिप्पणी हो तो वो ही कैन शेयर हिज कमेंट। दो मिनट मुझे देंगे। हाँ जी, सभी को नमस्कार और बहुत अच्छे विचार आए, शास्त्र सम्मत सारी बातें आई। सर मैं दो तीन बातें अपनी सिर्फ साझा करूंगी। आप मेरे विचारों को क्रांतिकारी कह सकते हैं, मुझे डेयरिंग कह सकते हैं, लेकिन सर मैं अपनी बात बता रही हूँ कि इस 15 महीने में मैंने शायद सिंगल डे काढ़ा पिया होगा। और निश्चित रूप से मैं आहार के ऊपर ध्यान देती हूँ सर, ठंडा नहीं खाती पीती, क्योंकि मेरे पिताजी डॉक्टर रहे तो घर में शुरू से एक कल्चर रहा इस तरह का। और जो सब ने ये बात समर्पण की कही, उसके साथ सर मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगी कि स्वीकार्य भाव, अगर स्वीकार्य भाव नहीं है तो शायद हम इस पेंडेमिक को नहीं काट सकते। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और 450 किलोमीटर दूर मैं धामपुर में बिल्कुल अकेले रहती हूँ। और 12-13 अप्रैल के बाद कॉलेज बंद हो गया। मैंने देवी के जो उपवास रखे उसमें मैंने देखा कि सर मैं 2-2 बजे तक मैंने कुछ नहीं खाया, पाठ करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया और मेरे अंदर ही जिसे आप कह सकते हैं कि ऐसा संचार हुआ। मैं हैरान हूँ सर अपने आप को देख के कि मुझ में इतने सारे बदलाव कैसे आते जा रहे हैं। हर तरफ से सर मुझे ऐसा अपने आप को लगता है कि मेरे अंदर क्वालिटीज आती जा रही है। मुझे लगता है हम सबको ये वाली सकारात्मकता रख करके और फिर एक संवेदनशीलता के साथ हम किसी के लिए कुछ कर सकें वह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि नकारात्मकता सर अपने आप से प्रारंभ होती है। और रही बात आपकी, आपने म्यूजिक कहा, मेरी माँ म्यूजिक, मैं खुद गाती हूँ, मुझे लगता है मेरा वही प्राणायाम हो जाता है, क्योंकि मैं स्पेसिफिक प्राणायाम कुर्सी लेकर के 100-150 गमले रखे हैं, सुबह एक मिनट पानी लेके और एक कप चाय लेके सर मुझे 3 घंटे लग जाते हैं। कभी मैं उनमें खाद डालती हूँ, कभी मैं उनकी गुड़ाई करती हूँ। मुझे लगता है कि सर अच्छा पाकिस्तानी सीरियल्स देखती हूँ सर, वो थोड़े जहीनी होते हैं, वो उनसे मन उकता गया तो इंडियन आइडल देखने लगे। मुझे लगता है सर ये ऐसा समय है कि जिसमें आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो करिए, कोई बाध्यता नहीं है। और प्रार्थना सर मेरे विचार से मैं शाम का 1-1.5 घंटा जरूर देती हूँ, चाहे उसमें मैं मंत्र पढ़ करके दूं, चाहे मैं रो करके ईश्वर से गिड़गिड़ा के मांगू। मुझे लगता है सर मानव जाति के लिए सबसे आवश्यक है कि हम बहुत तन्मयता के साथ करके और मांगे कि हम सबकी रक्षा करिए, हमें विवेक दीजिए कि हम गलतियां ना करें। अक्सर मैं तो जब शिव को जल चढ़ाती हूँ ना तो मुझे आपकी बात याद आ जाती है कि कोरोना जो है ये शिव जी का गढ़ है, तो मेरे से जल देते देते ओम नमो शिवाय के साथ साथ ये भी निकलता है भाई आपको तो जल चढ़ा के आपका तो सारा आप नीलकंठ है, जहर हम शांत कर रहे, हमारा जहर प्रभु कौन शांत करेगा आप। तो मुझे लगता है सर भावों का बहुत बड़ा प्रभाव है। और शारीरिक रूप से सर मैंने 7 किलोमीटर अपना लूज किया, या आप कह सकते हैं कि मेरा कम हुआ, मैं 50 kg पे आ गई हूँ, इसको आप मान सकते हैं। लेकिन शारीरिक रूप से सर मेरी क्षमताएं बढ़ती चली जा रही है। मैं देख रही हूँ कि कृष होने पर भी वो क्षमताएं बढ़ रही है। और मेरा मानना बस यही है कि हमको शरणागत और स्वीकार्य भाव ये दो बातें पहले लेनी है, उसके बाद ही सर हम समाज के लिए भी कुछ कर पाएंगे। जी जी धन्यवाद मैम, ये आपने बहुत अच्छा अपना व्यक्तिगत बातें बताई हैं जो व्यक्तिगत रूप से आप कर रही हैं, तो निश्चित रूप से ये सेल्फ मैनेजमेंट जो है बड़ा अच्छा है। कहीं ना कहीं तो किसी न किसी रूप में तो आपको अपनी व्यवस्थाएं करनी ही पड़ेंगी, शास्त्र उसमें सहायता कर सकता है लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। और ये कर्म व्यवस्था हमें देखनी ही चाहिए, इसका विश्लेषण करना चाहिए। सर एक बात थी, अभी जैसे आपका वेबिनार देखते देखते मैं आराम से बेड पे अभी इसको अटेंड कर रही थी और अचानक मुझे खांसी का धसका सा लगा, मैं किचन में पानी पीने गई तो देखा सब्जी रखी हुई थी, अगर 2 मिनट और देर हो जाती तो वो शायद सब्जी जल जाती। तो सर मैं इतनी छोटी छोटी बात में भी उस प्रभु की कृपा दे रही हूँ, इतनी छोटी छोटी बातें, और इसीलिए बहुत सारी कृपाएं मिलती चली जाती है। जी जी चलिए, मुझे लगता है कि और
अगर किसी का कुछ हो तो ठीक है, नहीं तो हम यस सदानंद जी प्लीज. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव चेंज्ड द कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर. जी नाउ वी हैव टू वेयर डबल मास्क एंड इनसाइड द होम्स इफ वी आर शेयरिंग द स्पेस वी हैव टू वेयर डबल मास्क if we are sharing the space with anybody. Exactly. Why this change? Because now we know it is not only because of the droplets. The droplets are spreading the virus. The air, it is airborne. The breeze also is spreading the virus. So what we have to do? And 3 meters is the social distance, which is more appreciable rather than 1 or 2 meters. Then there are 2 devices. One found out by, invented by, what is his name? It is invented by an Indian. It is marketed by Forbes company, F-O-R-B-E-S, Forbes company, and it is a device just like the infrared lamp. Okay. Where some waves will be emanated. It is working via proton mediated electrons. Which are going and hitting at the spike protein on the surface of the virus, COVID-19. Okay. And this will be available in the market, and the company which is marketing it is Forbes. And the group is called Shycocan, Shycocan. Okay. Shycocan. And it is invented by Raja Vijay Kumar. Okay. Raja Vijay Kumar. It is going to be available in the market. Another one. Okay. Another important message is in one of the Israeli universities, they have found that inside the room, the virus can be disinfected. The room can be disinfected by another method. Raja Vijay Kumar's method is by using protons mediated electrons. That is for disinfecting the rooms, halls, schools, houses, etc. Okay. And in Israeli university, what they have found is ultraviolet light kills the virus. Okay. So okay. This instrument also will be available in the market very soon. Okay, that's quite interesting. And a thing which we have learned in the last episode of the virus spread, the first wave, is that simple soap solution or soap washing with the hand, washing the hands with soap, using soap, it will also kill the virus from the surface of the skin. Okay. And fourth thing is, in postgraduate institute Chandigarh, they have conclusively proved that vitamin D3, 60,000 international units taken every week, it is very good for the continuity and health of the skin. The virus is attacking us through the skin, through the mucosa, through the mouth, through the tongue, etc. Yes. Eyes. So please, everybody take 60,000 international units, 1 gram, available in the market as Calcitas, C-A-L-C-I-T-A-S, Calcitas. I will put it in the box. Chat box, please do that. Calcitas. You put it in the milk in the night. You put it in the milk in the night and take it once in a week.
That is for the health of your skin and the mucous membrane. And a fifth thing is 2DG, 2 capital D, capital G. Mm-hmm. 2DG is 2-deoxyglucose, which is invented by a group in DRDO, Defense Research Unit. Okay. In Delhi. And that can be taken by anybody. It is available in sachets, in small sacks, 1 gram. And if you are taking it locally and also in general, the virus can be annihilated. Okay. A sixth thing is nitric oxide spray. Mm-hmm. Nitric oxide spray, if you are spraying it just like a nebulizer, putting it in the nostril, the viruses can be killed. Suppose you have a doubt that you have gone to a place where there can be virus. Okay. You can use this nebulizer in the nostrils. That will also help to kill the virus. So there are several methods and several technologies which are coming up for our fight against the COVID-19. And last but not the least, the Ega Sloka Gita. The last stanza of Bhagavad Gita is called Ega Sloka Gita. Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Partho Dhanurdhara, Tatra Sair Vijayo Bhudir Bhuvan Nidir Madir Mama. Ji. Where there is Krishna, Lord Krishna and Arjuna along with us, the intellect and a plan and an enthusiasm for action, karma, kartavya, if it is there will be success. Let us all hope and wish one another success in the COVID fight. Oh, yes, surely. Thank you very much. Please do share. Doctor, as per vitamin D, you told about taking vitamin D, and it is a oil soluble vitamin, and it can create toxicity because this amount is very, very dangerous. Only a person who has vitamin D deficiency can offer this vitamin, I think. And as per you said about this violet, ultraviolet rays, so Trump has also discovered this wonderful phenomena, and he has made several victims of this virus. It appears to be very, very contradicting with the basic medical phenomena and the basic medical science. And so is this nitrous oxide into our nostrils. I think we have to really look upon particularly vitamin D. I don't know in that detail, but I think we should be very cautious about that. Thank you, sir. Thank you for your inputs here. Okay. Doctor, please do share these informations, if possible, in the chat box with all of us for the benefit of all. Please do share. I will send it to you by email, all the details. I'll put it in the chat box, a list of it. ठीक है सर. चलिए अब इसको conclude करते हैं. काफी देर से हमने कई तरह के पक्ष सुने हैं. धार्मिकता से, विश्वास से लेकर के और विज्ञान के कई पक्ष हमने सुन लिए हैं. तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी से कि वो इसको कंक्लूड करें. ये सारी जो चर्चा हुई है और जो हमारा ये विषय रहा है, इसको वो कंक्लूड करें. और उससे पूर्व मैं चाहूंगा कि पवन जी ने हमारे साथ अपने किसी मित्र का जो है वो अंबेडकर के जो विचार हैं 22 प्रतिज्ञाएं उनको हमारे साथ शेयर किया है. निश्चित रूप से इसके ऊपर हम पहले एक सेमिनार कर चुके हैं और उसमें बड़ी इनकंक्लूसिव सी ये सारी बातें हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, और उनको समझने में लोग गलती भी कर रहे हैं और उनका जो दृष्टिकोण है वो कुछ और प्रकार का है. तो आप कभी भी चाहें तो हम इस पे चर्चा कर सकते हैं, और इनके 22 के 22 जो वो बातें कह रहे हैं उनके संदर्भों को भी स्पष्ट किया जा सकता है और उनको निरस्त भी किया जा सकता है. कोई ऐसी कठिनाई नहीं है, क्योंकि मैंने अंबेडकर के ऊपर लगभग 5 सेमिनार किए हैं और 5ों में उनके ऊपर मैंने संस्कृत की दृष्टि से ही चर्चा की है.
और एक उसमें से जो मेरा अपना जो विशेष लेक्चर रहा है वो रहा है कि ब्राह्मणों कि ब्राह्मणिकल एवेल्युएशन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। तो मैं इन चीजों को बड़े आसानी से उत्तर दे सकता हूँ, ये तो गंभीर चीजें नहीं है और ना ही एकेडमिकली इनका कोई ज्यादा महत्व मैं कभी समझ पाया हूँ। तो लेकिन कभी भी चर्चा करना चाहें पवन जी मोस्ट वेलकम, हम कर सकते हैं, सेमिनार करना चाहें, वेबिनार करना चाहिए, वैसे चर्चा करना चाहें, वी कैन टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो विल सर्टेनली टॉक अबाउट इट। और अगर मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग होगी तो वो अम्बेडकर के ऊपर जो संस्कृतिस्ट वैल्यूएशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जी। तो मैं समझता हूँ इस वार्ता को अब हम कंक्लूड करें और मैं डॉक्टर रमाकांत जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो इस सारे विषय को कैसे देखते हैं और किस तरह से शांति से मंगल के बीच में इस सारे व्यवस्था को वो प्रस्तुत करते हैं, तो उसके लिए मैं उनसे आग्रह करता हूँ। मैडम डिंपल जी, इसमें फीडबैक नहीं है क्योंकि ये डिस्कशन सेशन था, हमने नहीं रखा, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे आप बाद में बता दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं भेज दूंगा, सर्टिफिकेट बना दूंगा आपके लिए जी। प्लीज कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी, क्लियर है। सम्माननीय श्रोता बंधुगण, आप लोगों के विचारों को मैंने बड़े ध्यान से सुना है और सभी के विचार बहुमूल्य हैं, सभी के विचार उसमें ऐसे लगता है कि जैसे एक दूसरे को किसी घोर परिस्थिति के अंदर एक दूसरे का विचार दूसरे को खड़ा करने का प्रयास हो, एक दूसरा एक दूसरे को जैसे बल दे रहा है, चाहे वो इस एंगल से आ रहा है, पूर्व से आ रहा है, पश्चिम से आ रहा है, दक्षिण से आ रहा है, उत्तर से आ रहा है, लेकिन उससे आकाश में एक ऐसे है कि जैसे सब लोग मिलके एक ऐसा ब्रिज बना रहे हैं, एक ऐसा पुल बना रहे हैं जिससे इस भयानक संकट के समुद्र को पार किया जा सके। मैं आप सभी लोगों की जो भी चर्चाएं सुनी है उसमें बहुत ही मुझे रचनात्मक सुझाव कई सुनाई दिए हैं, लेकिन अब इसमें प्रश्न मूलतः ये रखा था कि संस्कृत वालों का रोल क्या हो सकता है, कि संस्कृत वालों के लिए इस परिस्थिति के अंदर क्या करना अपेक्षित है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक थोड़ी स्थिति उपेक्षित सी रह गई है, तो उस दृष्टि से थोड़ी बात करने का प्रयास मैं करता हूं। तो देखिए, जो संस्कृत का एक मौलिक अप्रोच जो है शुरू से ही उसमें पूरी परंपरा का अवलोकन अगर देखें तो उसमें एक ही स्थिति है कि मनुष्यता के अंदर सत्व का समावेश कैसे हो जाए। मनुष्यता में सत्व का समावेश जब तक नहीं होगा तो सत्व का समावेश ना होने से वो बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारा वो बनाता है, लेकिन स्वयं ही उन संस्थाओं के अंदर वो करप्शन शुरू कर देता है, पॉल्यूशन शुरू कर देता है, उनका प्रदूषण शुरू हो जाता है। संस्कृत का मौलिक जो कर्तव्य है वो समाज के अंदर, मानवता के अंदर एक सत्य का उद्रेक करना, सत्य को जागृत करना, निरंतर सत्य का जागरण हो, क्योंकि संस्कृत का मूल स्वर अगर ये ना होता तो इस किस्म की ये कर्मकांड में या प्रार्थना सभाओं में या उद्बोधनों में आवाहनों के अंदर वो ये नहीं कहता कि सर्वे संतु निरामया,
सभी लोग अब जब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उस समय भी वो लोगों के लिए यही कामना करता था कि सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सभी लोग भद्र देखें, भद्र देखने का अभिप्राय का अनुभव करें, सभी भद्र का अनुभव करें। ये भद्र का अनुभव जो है, ये भद्राणि पश्यन्तु सर्वा सर्वत्र नन्दतु, ये एक सप्त मनुष्य के अंदर संस्कृत वालों ने ये माना कि अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम् देहे प्रतिष्ठितम्। ये मनुष्य का जो देह है ना भाई, कहते हैं महाभारतकार कहते हैं कि इसको जरा समझो तो अमृत और मृत्यु दोनों ही मनुष्य के इस देह के अंदर स्थित है। मृत्यु आपद्यते मोहात्, मोह से मृत्यु को ग्रास, मृत्यु का ग्रास बनता है मनुष्य। और सत्य आपद्यते अमृतम, और सत्य से वो अमृत की प्राप्ति करता है, सत्य से उसको अमृत का लाभ होता है। अब इस अमृत को और उसको टेक्निकल बहुत ज्यादा ना बना, सिंपल महाभारत में यह है कि सत्य का जागरण होने से मतलब क्या है, कि सत्य का जागरण होने से सेवा बनती है, नहीं तो सेवा नहीं बनती है। हम भय से भी देते हैं, भिया देयम, शर्म से भी देते हैं, दान करते हैं, लेकिन शर्म से दान करते हैं कई बार की नहीं, लोगों के बीच में थोड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए। भिया देयम ग्रह आदि की पूजा में वह भले भले कह पूजिए, खोटे ग्रह जप दानो, जो खोटे ग्रह जप है, ग्रह हैं उनकी पूजा में उनको भय के मारे भी आदमी दान करता है, लेकिन ये सत्य से नहीं होता है, ये सत्य से नहीं होता है, ये भय से होता है। भय के अंदर तो उसमें आवरण है, विक्षेप है, सब कुछ है। तो ये उसमें संस्कृत ने जो लोगों को मौलिक रूप से सभी भारतीय भाषाओं को, भारत के आम आदमी तक उसका मैसेज गया हुआ है ऑलरेडी। संस्कृत वाले उस अंतराल को थोड़ा दूर करके देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि उनके अंदर लोगों के बीच में एक ऐसा मैसेज गया हुआ है जिस मैसेज का मतलब है सत्वात् संजायते ज्ञानम्, सत्व से ही सच्चा ज्ञान उत्पन्न होगा, सच्ची समझ तभी उत्पन्न होगी। सच्ची समझ से इस कोरोना की स्थिति में क्या संबंध है, तो संस्कृत के कहते हैं कि आरोग्य अगर चाहते हो तो आरोग्य में ये बाधा जो पड़ती है, ये जो अमृत और मृत्यु का द्वंद्व है, इस द्वंद्व के अंदर अगर हमें अमृतत्व की ओर बढ़ना है तो फिर उसके लिए सत्व का सबसे अच्छा उद्रेक होता है सेवा धर्म में। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य, सेवा धर्म जो है इसको कहाँ रखा हमने उठा करके, ये केवल एक ही वाक्य नहीं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, भगवत गीता के अंदर भी कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सबसे आगे जाकर के ऊपर जाकर के रखा परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। एक सही दृष्टिकोण जो मेरे बंधु इस समय कह रहे थे कि हमारा एक पॉजिटिविटी सकारात्मकता की बात कर रहे थे, वो सच्ची सकारात्मकता कैसे आएगी, क्योंकि मैं देखता हूँ जब भी टीवी लगाता हूँ देखता हूँ तो उसमें आता है कि बड़ी अव्यवस्था फैल गई है, और बड़ी अव्यवस्था के अंदर क्या है कि लोग जो है वो उसमें वैक्सीन जो है वैक्सीन में चोरी करने लग गए, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही चला रहे हैं, वैसे चला रहे हैं, कहीं पर वो जो है थोड़े लोग हैं जो सच्चे सेवा भाव से ही काम कर रहे हैं। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रबोधम्, जीवों के प्रति मैत्री का भाव जिनके अंदर, जिनके अंदर सत्व होता है उसके अंदर, बुद्धिस्ट लोग भी ये मानते हैं, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, जो सत्व जीव है, सत्व का अर्थ जीव भी है, जीवों के प्रति मैत्री का भाव जिनमें है कि नहीं प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिए, ये मैत्री का भाव है। गुणी जन है उनको अब वहां पर ऐसी स्थिति बन गई है कि उसमें गुणी है जब जैसा भी है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिली और वो मर रहा है बेचारा। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, क्लिष्ट जीवों में कृपा का भाव, और माध्यस्थ
भावम विपरीत वृत्त, और विपरीत वृत्ति उल्टी सोच रखने वाले जो उसमें दूसरे गलत रास्ते पर जाने वाले लोग हैं, थोड़ा उनको मध्यस्थ भाव हो करके अपने सदा मम आत्मा अभिधातु देव ये प्रार्थना करते हैं, ये मुझे ये प्रभु एक ऐसा सामर्थ्य दो, ऐसा सत्व दो जिस सत्व के कारण मैं निर्मल भाव से सेवा कर सकूँ। ये सेवा का भाव जो था इसका वो बहुत ज़्यादा उपदेश उस ढंग से नहीं लोग करते थे। सेवा का सबसे बड़ा जो हमारा मॉडल है, सबसे बड़ा मॉडल है वो है मातृभाव। मातृभाव जो है जिसको उपनिषदों ने सबसे पहले अपने उस पाठ के अंदर रखा, मातृदेवो भव। ये जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर भी जब मातृत्व का संचार होता है, ये मातृत्व का संचार आपने देखा होगा तो लोग ये कहते थे कि श्री अरविंद जो थे वो मनुष्य शरीर के अंदर भी मातृभाव का संचार हो जाता था उनके अंदर। तो सेवा के लिए इस मातृभाव के संचार का होना, और मातृभाव के संचार के लिए वो माता जो है वो रक्षा के लिए युद्ध भी करती है, लेकिन वो वात्सल्य भी उसके अंदर उतर ही है, उसके अंदर प्रेम भी है, लेकिन वो नृसिंह रूपेण उग्रेण हंतुम दैत्यान समुद्र में त्रैलोक के त्राण चैते नारायणी नमस्तु थे, वो नृसिंह रूप भी धारण करती है। ये जो एक प्रकार का असुर के रूप में जो आप कह रहे हैं कि रक्त बीज आया है और विवाह, तो उस रक्त बीज का संहार करने के लिए वो उग्र रूप भी धारण करती है माता, अपने बच्चों को बचाने के लिए शेरनी के बच्चों की तरह क्षीर तारे शिशु कौन सिंहनी की गोद से मौन भी क्या रहते प्राण रे अंजान। शेरनी के सामने उसके बच्चे को कोई उठा के ले जाए संभव नहीं होता है, फौरन वो आक्रामक होती है। इसलिए मातृभाव जो है वो संघर्ष का भी सिंबल है और सेवा का भी सबसे बड़ा प्रतीक वही है। सभी तरह के कुछ उसे उसका प्रतिदान नहीं है सेवा भाव के अंदर, तो सेवा भाव के अंदर प्रतिदान ना होने से ये इसलिए सत्व का जो सबसे बड़ा प्रतीक हमने अपने संस्कृत वाक्य अंदर रखा, उस भाव को लोक में संचारित करने का काम, इसमें सतीशु नारीशु सर्वभूत काम संतर्पण दीक्षिता, वो स्त्रियां जो समस्त भूतों के प्रकाम संतर्पण दीक्षिता पूर्णान्न पूर्णा शिवलक्ष्य, तो लोग भूखे मर रहे हैं, भूखों की तृप्ति की भी उनको चिंता है, बीमार की औषधि की भी चिंता है माँ को कि बच्चा मर रहा है तो बच्चे के लिए चिंता है, लेना नहीं है कुछ बच्चे से, प्रतिदान में कुछ नहीं है, लेकिन ये ऐसा कैसे होता है। वो कहता कि बिना सत्योद्रेक के सत्य जब तक समाज का सत्य सो गया है, संस्कृत वालों को समाज के उस सत्य को जागृत करना होगा, उस सत्य को जागृत करने के लिए वैष्णव धाराएं, वैष्णवों ने अवतारवाद के अंदर जब बात की तो हम कहते हैं उद्बोधन, उद्बोधन जो है शैव लोग जो है वो उद्बोधन करते हैं, वैष्णव लोग आवाहन करते हैं, वो कहते हैं कि आप अवतर अवतर उतरो आओ नीचे आओ मनुष्यता के बीच में, मनुष्य के अंदर मनुष्य तुम्हारी ही क्रिएशन है, तुम्हारा ही स्वरूप है, इस मनुष्यता के अंदर आकर के मानवों की पीड़ा का इस आर्थिक पीड़ा का हरण करवा करके जो भी विरोधी शक्तियां हैं जो इस समय संहारक रूप धारण करके आई हुई हैं उनका मुकाबला कैसे होगा, सत्व से होगा, बिना सत्व के उसका नहीं होगा। और ये स्वाध्याय करने से क्या होता है, आप अगर देखें तो गीता पाठ करने से सभी लोग कह रहे हैं कि मैंने मंत्र पढ़ा उससे ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन मंत्र पढ़ने से लोग मंत्र पढ़ते हैं कुछ नहीं होता है, लेकिन जब मंत्र पढ़ने से सत्य का होता है अनुभव, आपका जो चैतन्य है आपकी जो चेतना है वो जब जागृत होती है उस मंत्र के साथ, जब आप सचमुच आवाहन करते हो, जब आप सचमुच हृदय से आपके भीतर से एक पुकार निकलती है उसके अंदर, तो वो सत्य का उदय उस समय वो सत्य जो है वो आपको बल देता है। इसलिए सत्य शब्द का संस्कृत के अंदर इतने ही अर्थ हैं,
सांख्य दर्शन के अंदर सत्व गुण है, यहाँ गुण की बात हम नहीं कर रहे हैं। एक वैष्णव में सत्व का, ये जो भगवान विष्णु है वो सप्तमूर्ति है। ये सप्तमूर्ति क्या है, ये बहुत ही प्योर निर्दोष निष्कलंक निरस्त समस्त कलंक, ऐसी ये भगवान विष्णु की मूर्ति है। और रक्षा करना उस वैष्णवी का ही धर्म, मुख्य धर्म। वो वैष्णवी जो है जिसे सप्तशती के अंदर, सप्तशती की चर्चा हुई थी, सप्तशती के अंदर पूरे का पूरा आप देखेंगे नारायणी नमोस्तुते, ये नारायणी नमोस्तुते, ये नारायण की शक्ति को ही बार बार आप नमस्कार कर रहे हैं। सर्वस्व रूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भैर्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ये वैष्णवी शक्ति जब हमें समस्त भयों से, तो वो प्रार्थना करने से भय नहीं, भय हटाने की बात जब आती है, जब प्रार्थना के बल पर हम बात करते हैं तो उससे उत्पन्न क्या होता है, स्वाध्याय से क्या उत्पन्न होता है, सत्य उत्पन्न होता है। मेरी चेतना जो है वो इस योग्य बनती है, वो समर्थ होकर के संघर्ष कर सके उस परिस्थिति के साथ, आतंकित नहीं, असुरों के आतंक से। एक उपनिषदिक से छोटा सा उपाख्यान इस विषय में बड़ा मार्मिक है कि शुरू में देवता और असुर जो थे वो एक ही पिता की संतानें थी दोनों ही, लेकिन दोनों में संघर्ष, असुर जो थे वो मात्रा में उनके नंबर बहुत ज्यादा था, बहुत क्राउड था, देवता उसकी अपेक्षा कम थे। तो इसलिए देवता जो थे वो अक्सर परास्त हो जाते थे, वो परास्त हो जाते थे असुरों से प्राय। तो वो एक बार उसमें प्रजापति के पास गए और उन्होंने पूछा कि हम लोग लड़ाई युद्ध करते हैं इनके साथ, लेकिन उस युद्ध में हम पराजित होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम में से ऐसे करो कि तुम अपने भीतर के उसका आवाहन करो तो उसमें तुम संघर्ष में सफल हो जाओगे। तो देवताओं ने, एक एक देवता जो थे वो शरीर में से निकल करके उन्होंने प्रयास किया, लेकिन असुरों ने सभी को कहता पापविद्ध कर दिया नेत्रों को, इसलिए नेत्र अच्छा देखते देखते बुरा देखने लगते हैं। कान जो है, कानों का देवता जो था शब्द, उसको कहा कि तुम युद्ध करो असुरों से, तुम्हारी लीडरशिप में चलेंगे हम। तो कहते हैं कि असुरों ने कानों को भी पापविद्ध कर दिया। उपनिषद की भाषा में पापविद्ध का मतलब क्या है, कि उसके अंदर सत्य जागृत होते होते वो अच्छा सुनते सुनते बुरा सुनना चाहता है। वाणी को भी ऐसे ही उन्होंने, वाणी को कहा कि तुम आगे चलो, तो वाणी को भी असुरों ने पापविद्ध कर दिया, इसलिए वो अच्छा करते करते फिर वो बुरा बोलने लग जाती है। लेकिन तब उन्होंने कहा कि किसके पास है, उन्होंने कहा कि प्राण के पास सब लोग पहुंचे। प्राण जो है वो तटस्थ है, वो मध्यस्थ है, उसकी कोई उसको कोई पाप विद्ध नहीं कर सकेगा। तो असुरों ने कहते हैं कि प्राण के उस सत्व के ऊपर जब प्रहार किया तो असुरों के सारे प्रहार जैसे किसी शिला के ऊपर मिट्टी का ढेला मारो तो मिट्टी के ढेले के टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे ही असुरों का वो सारे आक्रमण जो थे मिट्टी के ढेले की तरह नष्ट हो गए। तो इसलिए इन उपाख्यानों से, स्वाध्याय से, जप से, पूजन से और उससे, इन सब का मूल सत्व है सेवा। सेवा धर्म परम ग्रहणो योगी नाम उत्पन्न। सेवा करने में मातृत्व इसलिए श्रेष्ठतम बन गया क्योंकि योगियों से भी अगम योगी भी सेवा करने में संकोच कर जाएगा, लेकिन माँ सेवा करने में संकोच नहीं करती। इसलिए जहां जहां भी ये नर्सिंग जो है, नर्सिंग होम जो है, वहां पर वो मातृत्व का ही अपेक्षित, जो जिस निष्ठा से, जिस लग्न से वो उस सेवा में प्रवृत्त होती है, वो रोगी को, रोगी के अंदर जीवन की आस्था को जागृत कर देती है। और रोग से लड़ने वाली चीज क्या है, वो रोगी के अंदर का जो सत्व है, जिसने कहा अमृतम चैव अमृतुष्ट द्वयम देहे प्रतिष्ठितम, वो उसका जो सत्व, उसके अंदर जीवन, उसका जो आत्मी, वो एक जिजीविषा है,
उसका वो जो दिदीविशा है और अच्छे के लिए जो दिदीविशा उसके भीतर है उस दिदीविशा को सामर्थ्य देती है। वो सामर्थ्य जब जिसको आज हम इम्यून सिस्टम बहुत हल्का है लेकिन है उसी पक्ष का ही। इम्यून सिस्टम हमारा क्या करता है कि इम्यून सिस्टम उस प्राण की तरह है कि जिसके ऊपर बाहर से रोग का प्रहार होता है लेकिन इम्यून सिस्टम के कारण उसे वापस जाना पड़ता है, वो उसको तो प्रभावी नहीं कर सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हम जो क्योंकि संस्कृत संस्कृति ये शब्द नहीं है केवल मात्र, ये लोगों की एक चेतना के प्रतिनिधि। इसी कारण से सभी जितने भी विचारधाराएं उत्पन्न हुई उनका जो श्रेष्ठतम अंश था वो भारत के प्रत्येक कोने में से हर एक व्यक्ति ने उसको संस्कृत में समर्थ, क्योंकि भाषा के अंदर भी वो सत्व को पैदा किया गया। ये भाषा जो है जिसका सत्व जिसका बल है जिसका आरोग्य है निरोग भाषा, रोगी भाषा होती है सिख आदमी की भाषा भी भाषा होती है लेकिन ये आरोग्य की भाषा है। इसलिए इसके अंदर मंत्र पाठ करें स्वाध्याय पाठ करें गीता पढ़ें उपनिषद पढ़ें जो भी पढ़ें या अनुवाद पढ़ें, नहीं जिनके पास संस्कृत सीधे नहीं पढ़ सकते तो अनुवाद से माध्यम से और इस तरह से वो सारा पढ़ें और करें। कर्म में भी सत्व आए और उसके अंदर भी सत्व आए। उस मातृत्व भाव के जागृत होने से उस मदरहुड का मॉडल बनाने से जिसको उपनिषद ने कहा सबसे पहले मातृदेवो भव, फिर बाद में कहा पितृदेवो भव आचार्य देवो भव उसमें, लेकिन सबसे पहला सूत्र वाक्य जो दिया मातृदेवो भव, तो मातृभाव के अंदर ही हम शक्ति की जो साधना करते हैं आराधना करते हैं शाक्त लोगों से वो वैसा वो नहीं मानते हैं कि ये शाक्त सब तो कोई गुण है जैसे कि आया और चला गया है, वो सदा ही शुद्ध सत्व है, वो निर्मलता है यह नित्य निर्मलता है, वो चिति की चैतन्य की निर्मलता है। इसलिए वो चैतन्य की निर्मलता को जागृत करने में मैं समझता हूँ कि संस्कृत के जो लोग हैं आचार्य लोग हैं वो समाज में संस्कृत को सिर्फ संस्कृतज्ञों तक ही ना ले जाए आम आदमी के तक उसके मैसेज को ले जाए, तो निश्चित रूप से संस्कृतज्ञों का ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि अगर वो इस प्रकार के सेवा के भाव से मातृत्व के भाव से अगर वो इस प्रकार से समाज के अंदर लोगों को बल देते हैं और लोगों के दाना दान से एक सत्व का धारण होता है। राजा बलि ने कहा कि नहीं ये ले लो, गुरु ने कहा कि नहीं ये वामन जो आया है ये वामन ये तुम्हारे तुम्हें खा जाएगा, ये तुम्हें नष्ट करने के लिए आया तुम्हारे राज्य को अक्षरों का राज्य नहीं चाहता। बलि ने कहा नहीं ऐसा गुरु जी नहीं हो सकता, अब मैं इनको वचन दे चुका हूँ इसलिए मैं दूंगा इनको। तो वामन को जो बलि ने दिया वो किसके अधीन दिया, सत्व के कारण दिया, वो सत्व से ही सारे का सारा जितना है आप देखेंगे इतनी उपाख्यान है इतनी घटनाएं हैं इतनी सब तो, लेकिन वो कहानियां सुनाने की बात नहीं है। तत्व दर्शन ये है कि मनुष्य का जो सत्व है वही उसका बल है वही उसकी जिज्ञासा है वही उसका आरोग्य रक्षण करता है, और इस सत्व का संरक्षण कैसे बढ़ता है ये कैसे एक्युमुलेट इसका कैसे होता है, इसका संचय होता है पुण्य कर्मों से, दान करने से पुण्य कर्मों के करने से दूसरों का भला करने से उपकार कर सर्वभूत ही दे रहता। इसलिए भी कहा कि ऐसे लोग जो सर्वभूत ही दे रहता, हम मनुष्य का ही गीत नहीं जानते थे, हमारी बात किसी ने छोड़ी नहीं, हम इस पक्ष में नहीं थे कि जीवों को इस तरह से मारा जाए बनों को उजाड़ दिया जाए परिस्थितियों को बिगाड़ दिया जाए सारी प्रकृति के साथ अनाचार किया जाए। संस्कृत वाला ऐसा कभी नहीं कहता था, वो कहता नहीं इससे सत्व का नाश, मनुष्य के सत्व का भी नाश हो रहा है प्रकृति के सत्व का भी नाश हो रहा है इसलिए बचना चाहिए इससे। तो उसका प्रतिशोध जो है उसका जो प्रतिकार है ना प्रतिशोध प्रतिकार जो है उसके लिए हमें ये सेवा से दान से पुण्य कर्मों से
स्वाध्याय से, तप से, व्रत से, उपवास से, सेवा से, और वहाँ दो दान दिया जा सकता है, योग किया जा सकता है। जिन लोगों को भी अन्न की अपेक्षा है उनको अन्न पहुँचाने का लोग कर रही हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, उनको देखता हूँ तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि कुछ लोगों में यह सब संजात हुआ है और ये सब तो निश्चित रूप से लड़ रहा है और ये संघर्ष कर रहा है। मैं समझता हूँ कि वो सत्य को जागृत ग्रहण करने के लिए संस्कृत के लोग, हमारे पास बहुत सामर्थ्य है, उस सत्य को अपना जागृत हो जाए तो हम दूसरों को भी उसमें जागृत करने में निश्चित रूप से सहायक हो सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके प्रति, बहुत बहुत आभार डॉक्टर रमाकांत जी। आपका ये वक्तव्य, सारे जो चर्चा हुई थी उसको आपने बड़े अच्छे से समाहित करके और उसको और उपयोगी बना दिया और उसको एक शब्द में आपने समाहित कर दिया कि सत्व जो है उस सत्व का जो है वो उद्रेक होना चाहिए हर मनुष्य में, हर समाज में, मनुष्यों के साथ मनुष्यों जैसा हम व्यवहार कर पाए इस समय, और मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को हम पुनः परिभाषित करें, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है। और उसको रीडिफाइन करने का जो मुझे लगता है कि जो मौका है, ये अवसर है, वो हम संस्कृत शास्त्रों से जरूर ग्रहण करें और इस क्षेत्र में हम मनुष्यता जो है वो अग्रसर हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात रही है सत्व शब्द, और मुझे लगता है कि इसको और हम गहरे से समझें और सभी को इस ओर जो है वो मौका मिलना चाहिए, प्रत्येक प्राणी को, कि वो अपने में सत्व का उद्रेक उत्पन्न करे और पूर्ण मनुष्यता को वो जिए, जहाँ पर वो प्रकृति भी उसके अनुकूल हो और विश्व भी अनुकूल हो और मनुष्यता भी उसके अनुकूल हो। तो मुझे लगता है कि आज की ये चर्चा इस दृष्टि से काफी सफल रही है। हमारे साथ काफी देर से के बाद जुड़े हैं श्री संजीव घारू जी, जो डायरेक्टर हैं महर्षि वाल्मीकि रिसर्च फाउंडेशन के। मैं उनका अब स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि वो जुड़े हैं, जुड़ने दोनों ही चीजें आपके साथ साथ में करता हूँ। और इस सारे चर्चा में जो संजीव जी कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी जी, तो आज की इस चर्चा का देखिए जो मुख्य उद्देश्य था वो केवल यही था कि हम लोगों की जो दृष्टि है वो व्यापक हो, हम लोगों का जो सोच है, हमारी जो भाषा है, हमारा जो विचार है, उसमें और अधिक स्पष्टता आए, उसमें व्यापकता आए, उसमें सूक्ष्मता आए और उसमें गहराई भी आए। तो ये चर्चा मात्र इसी के लिए थी। और दिशा आप लोगों ने निर्धारित करनी है अपने व्यक्तिगत स्तर पर और अपने आसपास के लोगों के साथ, और चर्चा जरूर करें लोगों के साथ, आपके जो आसपास के लोग हैं, कि हम वस्तुतः जो कुछ कर रहे हैं क्या वो पर्याप्त है और क्या वो उपयोगी है। इस दृष्टि से मुझे लगता है ये कोई चुनौती वाले प्रश्न नहीं है, ये मनुष्यता के सहज प्रश्न है। तो मैं समझता हूँ कि इन प्रश्नों के साथ अगर हम आज की ये मीटिंग, आज की ये परिचर्चा को पूर्ण करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, और इन प्रश्नों को आप आगे लेकर के जाएं, दोबारा और मिलेंगे। हालांकि ये चर्चा बहुत दिनों के बाद हमने की है, बीच में काफी लंबा अरसा हो गया है, और आने वाले समय में कुछ और चर्चाएं हैं जो निश्चित रूप से मैं टेकअप करूंगा, क्योंकि वर्कलोड इस वक्त बहुत ज्यादा है, वर्क फ्रॉम होम जो है वो इतना ज्यादा हो गया है कि समय जो है वो बहुत कठिन हो गया निकालना बीच में से। तो लेकिन आज मौका मिल गया है, तो आज आप लोगों ने सहयोग दिया, उसके लिए मैं आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से हमारी दिशाएं कुछ और स्पष्ट हुई हैं, हमारे विचारों में और स्वच्छता आई है, और निश्चित रूप से ये वैचारिक विस्तार और स्वच्छता हमारे व्यवहार को और अधिक मानवीय बनाएगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का पुनः आभार, धन्यवाद, और अगर चाहें तो आप सभी लोग मीटिंग अपनी छोड़ सकते हैं, और यदि कोई मेरे से कोई पूछना चाहे, अपना टिप्पणी देना चाहे, तो स्वागत है उसका।
थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।